ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सागजातं सागनारघुनाथं मितं तं सजीवम् सागवैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादं सागनाललिता श्रीविशाखान्वितंश्च श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले सायं रूपकदामायं ददाति सपदन्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्री भाषन वर्षभान विदेवे दैताय कृपाविदये कृष्ण संबंध विज्ञानम दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य जल प्रेमाद्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे रूपानुग विरुधाप सिद्धांत द्वंतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षद वैराग्य मूर्तये विप्रलंभर संबोधे पदंभुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगबरायते गौरविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्ट सज्जना प्रिया वैष्णव सर्वभौमा श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंचाकल्पदरुवेश कृपासिन्धुवैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतार भक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत
राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतो पंगो मम मन्धर्मतिर्गते मत्सर्वस्य पदं भोजौ राधा मदन मोहन। दिव्यावृंदारण्य कल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थ श्रीमद्रदशील गोविंद देव पृष्ठालिवेशेभ्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रसरसारं हि वंशीवटतटस्थिता कर्षन् वेणुशनैर्गोपे गोपीनाथ श्रेयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चो। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, जय श्री राधे।
कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गंत्रा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल गुरुदेव महाराज की श्री राधा राम चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांच कल्पतरु तरुंद की पिताम्बर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोविंद की महात कृपा, मेरे परम आराध्य ठाकुर श्री राधा माधव हरि जी गौरनिताय श्रीनाथजी गोपाल की अनुकंपा और गो ब्राह्मण संत सेवी
वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च सद्ग्रंथ श्रीमद् भागवत, जिसका सप्ताह सप्त दिवस ये भक्ति अनुष्ठान, जिसे हम भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के रूप में जानते हैं, का शुभारंभ करते हैं। रहे थे किस तरीके से ध्रुव महाराज जी तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते करते पूरा अपना सांस ही रोक दिया और अंततः भगवान के पास सभी देवता लोग चले गए और सहायता के लिए पुकारे, तो भगवान स्वयं ध्रुव के सामने प्रकट हो जाते हैं दर्शन देने के लिए। तो उनके जो अंदर जो भगवान का झांकी था वो फटाक से हट जाता है। तो इस प्रकार से जब उनके हृदय से भगवान का झांकी जब हट जाता है, तो हटाहट वो बेचारा फटा वो आंखें खोलते हैं। तो जब आंखें खोलते हैं ध्रुव जी, तो क्या देखते हैं? सामने भगवान नारायण देखते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो इस तरीके से भगवान ने ध्रुव महाराज को दर्शन दिया। और अब प्रश्न ये है कि जब ध्रुव ने भगवान को दर्शन मिला, ध्रुव को जब भगवान का दर्शन मिला, यानी कि ध्रुव ने जब भगवान का दर्शन किया अपने सामने साक्षात रूप में, तो क्या हुआ? तो होगा क्या? बेचारा 5 साल का बच्चा था ध्रुव। तो ध्रुव महाराज भगवान को देखते रह रहे हैं और भगवान ध्रुव को देखते रह रहे हैं। तो 45 मिनट तक ऐसे ही रहा दोनों का, एक दूसरे को देख रहे हैं और कोई कुछ बोल रहा नहीं है। तो देवता लोग आए कि अभी क्या हो रहा है, क्या होगा। तो वो लोग भी आकाश मार्ग से आ गए और देख रहे हैं। इस तरीके से जब ध्रुव नारायण को देख रहे हैं और नारायण ध्रुव को देख रहे हैं, तो बेचारा और दूसरा कुछ हो रहा ही नहीं है, वहां पे कुछ कन्वर्सेशन हो रहा ही नहीं है, एक दूसरे को ही सिर्फ देख रहे हैं। तो ऐसा सुनने को आता है कि जब ऐसा हुआ तो देवता लोग हंसने लगे। देवता लोग आकाश में हंसने लगे, मालूम क्यों? देवता लोग क्यों हंस रहे मालूम है? वो लोग सोच रहे हैं कि देखिए, जब स्वयं परमेश्वर भगवान नारायण जब तुम्हारे सामने ध्रुव के सामने जब है, ध्रुव क्यों चुपचाप बैठा है? इस ऐसा मौका, ये तो लॉटरी है, ऐसा मौका तो सबको हर सबको थोड़ी मिलता है। भगवान साक्षात आए और तुम्हारे सामने खड़े हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। तो देवता लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास आते हैं भगवान, हमारे सामने आते तो भला हम तो इतना बड़ा लिस्ट देके सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तनक, गाते ना भजन आजकल आरती में भगवान का, जो हमारे हिंदुओं जब घरों में पूजा पाठ लगाते हैं तो कहते हैं ना, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तनका ओम जय जगदीश हरे। तो ये देवता लोग यही कह रहे हैं, यही सोच रहे थे कि अगर हमको भगवान इस तरीके से सामने आ जाते, ये 45 मिनट तो हम वेस्ट भी नहीं करते। 45 मिनट में तो पता नहीं न जाने कितने चीज क्या क्या लिस्ट सामने पेश कर देते भगवान के सामने है। तो ये दृश्य को देखकर, ये बातों को सुनकर सुखदेव जी महाराज वो हंस रहे हैं। सुखदेव जी महाराज क्यों हंस रहे हैं? तो सुखदेव जी महाराज इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि जब स्वयं परमेश्वर तुमको मिल चुके हैं तो भला भगवान से भागना ही क्या है कि नहीं? ये तो बुद्धिमानी की बात तो है नहीं।
जो बुद्धिमानी व्यक्ति है, जब भगवान को ऑलरेडी तुमने पा लिया तो भगवान से वाला दूसरा क्या वस्तु भगवान से श्रेष्ठ हो सकता है? हैं? भगवान को पा लिया मतलब तुमको सब कुछ मिल गया, तो इंडिविजुअली एक एक आइटम मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीमित करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज हंस रहे हैं, सबको देख करके हंस रहे हैं, और राजा परीक्षित महाराज भी, राजा परीक्षित भी हंस रहे हैं ये बात को सुन करके। हैं तो राजा परीक्षित क्यों हंस रहे वाला? तो राजा परीक्षित इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि सुखदेव जी महाराज की कृपा से इस झांकी को देख पा रहे हैं। इतना तन्मय होकर सुन रहे हैं, प्रत्यक्ष उनको दिखाई दे रहा है, सुन के उनका पूरा जो कथा सुन रहे थे, ये महिमा सुन रहे थे, उनको सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो इस प्रकार से सभी लोग हंस रहे हैं, देवता लोग भी हंस रहे हैं, सुखदेव जी हंस रहे हैं और परीक्षित महाराज भी हंस रहे हैं, लेकिन सबका हंसने का तात्पर्य अलग-अलग है। तो परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि देखिए, ये लोग 45 मिनट तक एक दूसरे को हाथ देख कर बै खड़े हैं, दोनों भगवान भी और ध्रुव जी, तो हुआ क्या फिर उसके बाद? तो इस प्रकार से राजा ने पूछा सुखदेव जी महाराज को। तो इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखिए, ध्रुव जी जो हैं वो तो भगवान को देखते ही स्तुति गाना चाहते थे, चाहते हैं भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, पर वो तो बालक है बेचारे, वो तो सिर्फ 5 साल के बच्चा है, एक बच्चा भला 5 साल का बच्चा क्या स्तुति करेगा भगवान का? हाँ, कैसे करेगा, कभी स्कूल भी गया नहीं अभी तक तो। तो भगवान ने जब देखा कि ध्रुव भगवान का स्तुति करना चाहता है लेकिन बच्चा होने के कारण से स्तुति कर नहीं पा रहा है, तो शतम् विवक्षन्तम् अतद्रविदं हरि ज्ञात्वस्य सर्वस्य च हृदि अवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कामभून् स्पर्शबलं कृपया कपोले। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब भगवान विष्णु देखते हैं कि ध्रुव जी भगवान का स्तुति करना चाहते हैं, तो भगवान ने ध्रुव जी के कपोल, कपोल माने गाले, गाले से अपने शंख को छुला देते हैं, और जैसे अपने शंख से ध्रुव के गाले में टच कर देते हैं, छुआ लिया, वैसे वैसे ही ध्रुव के मुख से वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गया। तो इस प्रकार से मेरी गोविंद की इतनी सुंदर स्तुति गाए उन्होंने, इतना सुंदर स्तुति आप पूछो मत, क्योंकि मुखम करोति वाचालाम पंगम लंघयते गिरिम यत्किरीपतमहं वंदे परमानंद माधवम्। यदि मेरा गोविंद कृपा कर दें
तो गूंगा व्यक्ति भी बाचाल बन सकता है। हाँ, मुखम करोति वाचालम, और पंगम लंगा यतेगिरिम। एक बात बताइए, मीरा ने कोई डिग्री पढ़ी तो थी नहीं, लेकिन मीरा के द्वारा लिखी गई जो कविता है आज, स्नातक कक्षाओं में और यूनिवर्सिटियों में लेकर पढ़ाई जाती है, ये किसी कृपा है। तो ये किसकी कृपा है? ये तो भगवान की ही कृपा है। मेरे गोविंद की ही कृपा है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, मीरा जैसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं था, जीवन में कभी स्कूल तक गया नहीं, उनका स्तुति आज यूनिवर्सिटियों में पीएचडी लोग करते हैं उनकी स्तुति पर। तो ये किसकी कृपा है? तो गोविंद के। मेरे गोविंद की ही कृपा से सब संभव है। आप कहेंगे, नहीं साहब, मीराबाई तो राजकुमारी थी, घर में पढ़ाई किया होगा। घर में अपना पर्सनल टीचर रख के पढ़ाया होगा, पंडित जी भी पढ़ाते होंगे। मास्टर साहब पढ़ाते होंगे। तो देखिए, जो सूरदास जी हैं, सूरदास जी ने स्कूल तो देखा भी नहीं था, और देखो कहाँ से उनके आंखें भी नहीं थी। जन्म से अंधे थे सूरदास जी तो। तो देखिए, सूरदास दो हुए हैं, एक तो बिल्व मंगल जिन्होंने बाद में आंखें फोड़ ली थी, और ये एक सूरदास जो बचपन बचपन से जन्म से सूरदास थे। सूर सूर तुलसी शशि, इस कवियों में जो सूर हैं, ये सूरदास तो जन्म से ही अंधे थे, लेकिन सूरदास की लिखी हुई कविता जो हैं, आज भी लोग उसके उनके कविता पर क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं। तो ऐसे हम कितने लोगों को जानते हैं जो साहित्य पर, सूरदास की साहित्य पर पीएचडी करते हैं, और करके पीएचडी करके उपाधि पा चुके हैं, ये भी हम जानते हैं लोगों को। तो जिस सूरदास ने कभी स्कूल नहीं देखा, उसकी कविताओं पर लोग पीएचडी करते हैं। आप कहेंगे, नहीं साहब, सूरदास जी तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, और वल्लभाचार्य बहुत ही प्रकंड विद्वान थे, बड़े भारी प्रकंड विद्वान वल्लभाचार्य से सत्संग किया था सूरदास ने, इसलिए उनको ज्ञान हुआ होगा, उनको ज्ञान हुआ होगा। तो कबीरदास जी तो देखिए, उनको तो अपना सिग्नेचर साइन भी करना नहीं आता था ना, कबीरदास जी को तो अपना सिग्नेचर भी करना नहीं आता था कबीरदास जी को। तो कबीरदास जी अपना नाम नहीं लिख पाते थे, लेकिन कबीर की जो कविता है, कविता में आपको वेदों के मंत्रों का अर्थ मिलेगा। कबीरदास की पंक्ति में आपको एक-एक मंत्रों का व्याख्या मिलेगी। बाद में कबीर जी थोड़ा सा सिग्नेचर करने लगे थे, पहले तो उतना ही नहीं आता था उनको। बताओ, तो ये किसकी कृपा है? हाँ, बताइए, ये किसकी कृपा है? ये केवल कृष्ण की कृपा है, केवल मेरे गोविंद की ही कृपा है। मुखम करोति वाचालम, वो गूंगो व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? वाचाल बना सकते हैं।
बनाते हैं। और पंगम लंगा यते गिरिम, वो लंगड़ा व्यक्ति से गिरि माने पर्वत, यानी कि लंगड़ा व्यक्ति को भी पर्वत कटा सकते हैं, पर्वत चढ़ सकता है, यानी कि पर्वत को उल्लंघन कर सकता है लंगड़ा व्यक्ति भी। तो इस प्रकार से वो पर्वत लागवा सकता है, पार कर सकता है, चढ़ सकता है। इसमें जब प्रभु की कृपा होती है, जब मेरे गोविंद का जब कृपा होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो ये जो 5 साल का नन्ना सा ध्रुव है, भगवान की क्या गजब स्थिति कर रहा है देखिए। तो भगवान की कृपा ही है, गोविंद की कृपा है। तो इस प्रकार से ध्रुव जी कहते हैं, युंत प्रविश्य मम वचमी मम प्रसूप्तम संजीवयत्याखिल शक्ति धरस्य धामं आन्यं च हस्तं चरणं श्रवणात्वगादिनः प्रणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देखिए ध्रुव जी कहते हैं कि जन्म जन्मांतर से सोई हुई मेरी जो वाणी है, मेरी प्रसवस्था है, वाणी को आज अपने जगा दिया। क्या कह रहे हैं, जो मेरा जो जन्म जन्म से जो सोया हुआ जो वाणी था, उसको आज आपने जगा दिया। भगवान से ऐसा कहते हैं, मेरे अंतर प्रवेश मेरे अंतर प्रवेशक धार बनकर अपने मेरी वाणी को बोलने की शक्ति दे दी। हे केशव, मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपके द्वारा प्रदत्त वायु ही यानी कि ऑक्सीजन देती है, आपके प्रकाश से ही सूर्य प्रकाशित है। यत प्रयास भति भातो हमम सूर्यस तपति यस भयात, जिसकी कृपा से सूर्य भी ताप देता है, जिसकी कृपा से चंद्रमा रोशनी देता है, जिसकी कृपा से चंद्र तारागण टिमटिमाते हैं, जिसकी कृपा से ब्रह्मांड में अनेकों ब्रह्मांड एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, ये सब प्रकृति का जो भी नियम चल रहा है, सब आपकी कृपा से चल रहा है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और आप मुझे मिले हो, ये भी आपकी ही विशेष कृपा है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा साधन से आप मिले, तो साधन करने वाले तो बहुत हैं। यदि मैं अपने आप को कहूंगा कि मैंने साधन किया और साधन करने का फल है, जिसका फल स्वरूप भगवान मिला है, तो साधन करने वाले तो अनेक हैं, सभी को भगवान तो मिले नहीं है, इसलिए मेरे को ही मिला। और मेरे को मिलने का तात्पर्य यही है कि इसमें मेरे ऊपर भगवान की अपार कृपा है, ध्रुव जी कहते हैं इस तरीके से। और ये भी कहते हैं कि आप उसी को मिलते हैं जिसको आप मिलना चाहें, और आपको जान भी सकता है जिसको आप जनाना चाहें। तो एक गांव में, गांव के बगल में कोई संता आकर के बैठे थे,
हाँ, तो गांव के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े सज्जन हैं। तो ये यहाँ भीड़ लग गई। ये हमारे संस्कृत में, विशेष करके हमारे भारतवर्षों में, जब कोई विशेष संत आता है गांव में तो सभी लोग देखने को आते हैं, दर्शन करने को आते हैं, सबका अभिलाष आता है, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। हाँ, तो ये विशेष ही विशेष व्यक्ति था, विशेष संत थे, जो गांव में आ गए और गांव के बगल में बैठे थे, तो गांव वाले सब लोग उनकी दर्शन करने आ गए। तो इस प्रकार से सभी गांव के लोग आ गए। हाँ, और आकर के उनके ऊपर देखिए कितनी श्रद्धा है, कितना भावना है गांव के लोगों के पास, आपको पता ही है। हाँ, पता चलेगा कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मैसेज खबर दे दिया, दूसरे व्यक्ति ने तीसरे व्यक्ति को, एक कान दुई कान मैदान। तो इस प्रकार से सारा गांव को पता चल गया कि गांव में, गांव के बगल में कोई संत आए हैं। तो इस प्रकार से वो एक गांव के बगल में वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तो सभी भाई बहने, सभी लोग दर्शन करने आए, चरणों में पड़े, संत के चरणों में पड़ करके सब लोग दर्शन किया। महात्मा बड़े अल्लर्ड महात्मा थे, केवल एक लंगोटी ही पहनते थे बस, उसके अलावा उनके शरीर में दूसरा कोई वस्त्र नहीं था, और हाथ में एक कमंडल। मोटे ताजे थे, हृष्ट पुष्ट देखने में महात्मा थे। तो चाह गई चिंता मसी मनुवावे प्रवाह, जिसको कछु न चाहिए सो ही समहा सहा। तो देखिए, चाहूंगी चिंता मसी मनुआवे प्रवाह, जिसको कछु न चाहिए सो ही साहम साहा। कुछ चाहिए नहीं तो साहम साहा है। लोगों ने प्रार्थना करके कहा, महाराज बगले हमारे, हमारा गांव है, बगल में हमारा गांव है, हमारा गांव को गांव में चलिए। तो लोग निवेदन कर रहे हैं संत जी को कि हमारे गांव में चलिए ना, थोड़ा सत्संग करेंगे, आपकी थोड़ी या आपसे थोड़ी कथा सुनेंगे। तो महात्मा बोले, कथा ये कथा वथा जो है हम करते नहीं है, और हमने जो कथा बता है ये सब कथा बता बंद कर दिया हमने, क्या करना बंद कर दिया है, अब हम लोग ये कथा नहीं करते हैं, यानी कि मैं कथा नहीं करता हूँ आजकल, ऐसे कह रहे हैं गांव वाले से। तो गांव वाले क्या करते हैं, बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं, अरे चलो ना महाराज जी। हाँ, महाराज बोलते नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम तो सिर्फ भजन ही करते हैं। हाँ, हम कथा नहीं करते, कथा कहना छोड़ दिया हमने। तो लोगों ने कहा, नहीं महाराज जी ऐसा मत करो। हाँ, हम तो गांव के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, हमसे हमको ऐसा मत करो, हमको थोड़ा हमारे गांव में पधारी है, थोड़ा हमारा गांव को भी आशीर्वाद दीजिए, लोगों को भी आशीर्वाद दीजिए। हाँ, ये तो हमारे भाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे गांव में, आप हमारे गांव के नजदीक आप आए हैं, और आपका दर्शन करने को हमारा सौभाग्य है, मिला है। हाँ, तो इसलिए हम समझते हैं कि हमारे भाग्य से आप यहाँ आए हैं। हाँ, इसलिए हमारे गांव को चलिए। महात्मा बोलते हैं ठीक है। हाँ, बहुत गिड़गिड़ाने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद महात्मा ने गांव वालों को बोला कि ठीक है, मैं आता हूं तुम्हारे गांव में। हाँ,
तो बहुत ही रिक्वेस्ट किया तुम लोग ने, ज्यादा ही कहते हो तो मैं आता हूँ। तो इस प्रकार से आने के लिए तो मंजूर कर दिया, गांव में जाने के लिए तो मंजूर कर दिया, लेकिन कथा शुरू करने से पहले मैं एक प्रश्न करता हूँ। तो गांव में चले गए, गांव वाले का बड़ा श्रद्धा था, बड़ा बड़ा भाव था संत के ऊपर, और पूरा क्या बोलते हैं पंडाल बनाया कथा सुनने के लिए, संत को सत्कार करने के लिए। हाँ, तो गांव वाले को सबको बुलाया। तो जब इस प्रकार से गांव वाले को बुलाया तो संत जी महाराज वहां पहुंच गए और बैठ गए। बैठे बैठने जब बैठे तो सभी लोग बैठ गए गांव वाले चुपचाप से। तो संत बोलते हैं कि देखिए, मैं कथा शुरू करने से पहले एक प्रश्न करना चाहता हूं। मेरे प्रश्नों का जवाब तुम लोग दे दोगे तो कथा सुनाऊंगा। हाँ, तो इस प्रकार से सभी लोग सोच रहे हैं गांव वाले कि अरे संत की, संत जी अभी क्या प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा कंडीशन डाले हैं सभी। अभी सब लोग ने बोला कि ठीक है, हाँ जी प्रश्न करिए। अभी प्रश्न जब तक सुने बिना तो फिर हम लोग को वो तो कर नहीं सकते, कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या प्रश्न करने वाले हैं। तो सभी लोगों ने बोला कि हाँ प्रश्न करिए जी। तो संत जी प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं, भगवान है या नहीं? तो बड़ा जोर से नारा लगा, बहुत जोर से आवाज आया, सभी लोगों ने कहा कि भगवान है। भगवान है। तो जब इस प्रकार से भगवान है बोला सब लोग ने, तो क्या हुआ, संत जी कहते हैं तो अच्छी बात है, तब अभी कथा सुनने की क्या जरूरत है, अब हम कथा नहीं बोलेंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण, अब हम कथा नहीं बताएंगे। सभी लोग ने कहा कि क्यों महाराज, कथा क्यों नहीं बोलेंगे? संत कहते हैं कि देखिए, जो कथा आप सुनते हैं, जो शास्त्रों और पुराण के जो सार है, वो तो भगवान को जानना है, पहचानना है। अब आप लोग सभी लोग ने कहा कि भगवान है, तो आप लोग ने तो भगवान को मान लिया है, जान लिया है ऑलरेडी, जो वेद का और कथा का सार है। जब आप लोग ने कथा का सार ऑलरेडी जान चुका है तो भला अब यह टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है? हाँ, कथा करने की क्या जरूरत है अभी? इसलिए हम कथा नहीं करेंगे, आप अपने अपने घर को जा सकते हो। तो बस बड़ा धर्म संकट हो गया। तो सभी लोग चले गए और वो लोग ने गांव वालों के साथ, सभी लोग बड़े जो मान्य जन लोग थे, गांव के प्रधान पंच जो थे, सभी लोग मिल करके एक इष्ट गोष्ठी कर दिया, मीटिंग किया। और कहा कि देखिए, अभी हम लोग ने भगवान है बोला, इसलिए संत जी ने हमको कथा नहीं बताया, तो हम लोग जाके रिक्वेस्ट करते हैं कथा कराने के लिए, सुनाने के लिए, और अगर इस बार हमको बोलेंगे कि भगवान है या नहीं, हाँ, तो हम लोग सभी लोग बोल देंगे नहीं है, तो कथा सुनाएंगे। तो इस प्रकार से वो लोग फिर से संत जी को रिक्वेस्ट किया कथा सुनाने के लिए, तो प्रश्न किया, अच्छा ये बताओ भगवान है कि नहीं? तो सभी लोग ने क्या कहा, भगवान नहीं है। सब ने जोर से ताली बजाई, जोर जोर से अपनी बड़ी बड़ी जोर जोर शोर से, भगवान नहीं है, इस प्रकार से सभी लोग ने चिल्लाया। तो
जब इस प्रकार से भगवान नहीं है बोल के जब सभी लोग ने बोला, तो संत ने बोला, संत जी ने कहा कि अच्छा तुम लोग के पास तो भगवान है या नहीं है ये भी पता नहीं है, हाँ तुम्हारा तो भगवान पर भरोसा भी नहीं है और विश्वास भी नहीं है, तो भगवान का कथा क्यों सुनना है तुम्हें, हाँ? जब तुम लोग ये मानते ही नहीं हो कि भगवान है ही नहीं, जो है ही नहीं तो उसका कथा क्या सुनना है, हाँ? जो एग्जिस्ट होता ही नहीं है उसका कथा भी तो फिर फॉल्स हो गया, जब भगवान ही नहीं है तो फिर ऐसा फालतू कथा क्यों सुननी है, इसलिए हम आप लोग को कथा नहीं बताएंगे, जा सकते हो आप लोग जाओ अपना अपना काम करो। तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये गांव के लोग को ये समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए, ये संत क्यों कथा नहीं बता रहे हैं, ये बार बार परेशान क्यों कर रहे हैं, और बड़ा टेंशन में पड़ गए गांव के लोग। अभी इतना खर्चा करके पंडाल सजाया, पंडाल बनाया, एडवर्टाइजमेंट किया, दुनिया किया, दीवाना किया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया और इतना पैसा इकट्ठा करके इतना खर्चा किया और ये संत कथा सुनाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो कोई लोग तो बड़े टेंशन में पड़ गए, अब क्या किया जाए। हाँ? तो फिर से मीटिंग हुआ गांव के लोगों का, और जब मीटिंग हुआ इस तरीका से तो वो लोग ने क्या किया, वो लोग ने बोला कि देखिए इस बार जब हम जाएंगे कथा सुनाने के लिए बोलेंगे, और इस बार अगर संत जी ने पूछा कि भगवान है या नहीं, तो हम लोग सभी लोग क्या बोलेगा, आधा लोग बोलेंगे कि भगवान है और आधा लोग बोलेंगे भगवान नहीं है, हाँ? तो हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया हो गया, हाँ ठीक है ऐसे ही करेंगे। तो इस प्रकार से क्या किया, हाँ? सभी लोग फिर संत जी के पास चले गए और संत जी के पास चले जाकर रिक्वेस्ट किया, तो संत जी फिर से आ गए और मंच पे बैठकर सबको पूछा कि भगवान है या नहीं, तो आधा लोग ने बोला भगवान है, हाँ? और आधा लोग ने बोला भगवान नहीं है, हाँ? तो इस प्रकार से जब भगवान है बोला आधा लोग ने और आधा लोग ने नहीं है बोला, तो क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि देखिए जो व्यक्ति भगवान को है बोल रहे हैं वो एक जगह हो जाइए, एक साइड हो जाइए, और जो भगवान नहीं है बोला और दूसरी ओर साइड हो जाए, हाँ? तो इस प्रकार से जब सभी लोग आधा आधा हो गए तो महाराज जी बोलते हैं, संत जी कहते हैं कि जो लोग भगवान को भगवान नहीं है कहते हैं और जो लोग भगवान हैं कहते हैं, तो तुम लोग अभी ये भगवान जो हैं बोलते हैं उनके पास जाओ और उनसे कथा सुनो, हाँ उनसे सुनो इसके विषय में, अभी वो बताएंगे तुम लोग को, हाँ अभी ये लोग को 50% लोग को तो ऑलरेडी पता है ही है, जो और ये 50% को जो पता नहीं है, तो ये 50% को जो 50% जिसको पता है वो बता देंगे, तो हमारी क्या जरूरत है कथा सुनने की हमारे हमारे ओर से, हाँ? तो इस प्रकार से ये संत जी महाराज कथा बताने नहीं जा रहे हैं, हाँ? बार बार परेशान कर रहे हैं, और जो कथा जानते हैं ये 50 लोग, 50% लोग वही लोगों से जा करके कथा सुन लीजिए बोला संत जी ने, हाँ? बोलिए जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से हम लोग ने एक बार देखा था, हम जा रहा था तो एक गांव में बहुत बड़ा सभा हो रहा था, तो बहुत भीड़ लग रहा था वहां पे, हाँ? और नाराबाजी लग रहा था जोर जोर से, तो हमने पूछा
एक सज्जन को रुक करके पूछा कि ये किसका भीड़ भाड़ है ये गांव में, यहाँ गांव में इतना भीड़ जोरदार से क्यों चिल्ला रहे हैं। तो सज्जन ने कहा, महाराज यहाँ पे चुनाव हो रही है, यहाँ पे चुनाव हो रहा है और वोट के लिए नारा लगा रहे हैं, जोर जोर से नारा लगा रहे हैं गांव के लोग। ये सब गांव के लोग आए हैं यहाँ पे, सभी लोग। तो इस प्रकार से हमने फिर वो चले गए और हमने कुछ गांव के लोगों को वहां, मतलब जो आए थे, उन गांव के लोगों को पूछा क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं ऐसा, चिल्ला 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 के गला फाट 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 के क्यों बैठे हैं, वोट देने के लिए आए हैं तो चिल्लाने की क्या जरूरत है। कोई इसका पार्टी के लिए चिल्ला रहा है, कोई उसका पार्टी के लिए चिल्ला रहा है। तो हमने जिस जिस को भी पूछा सभी ने एक ही जवाब दिया कि महाराज देखिए गांव में तो कुछ काम है नहीं है? और जब शहर में आ जाते हैं हम लोग तो पार्टियों का नाम लेकर के, ऐसे तो हम किसी पार्टी के हैं ही नहीं है ना, तो हम कांग्रेस पार्टी के हैं, ना हम कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, ना माओस्ट पार्टी के हैं, ना राप्रपा पार्टी के हैं, या भारतीय जनता पार्टी के हैं, या जो भी आप बोलेंगे, हम किसी पार्टी के तो ऐसे है ही नहीं, और हमें कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन मतलब किसका है कि गांव में बैठे बैठे टाइम पास नहीं होता है, करेंगे क्या, तो यहाँ आके थोड़ा झंडा लेके बैठ गया तो आज कांग्रेस बुला दिया, हम कांग्रेस के पीछे पीछे आ गए नारा लगा के, तो बस शहर घूमने को भी मिल गया, 2 पल की खाना भी रोटी भी मिल गई और कुछ पैसा भी मिल गया 200-300 रुपया दिन का। तो घर में बैठे बैठे तो कुछ होने वाला नहीं है, कम से कम यहाँ आने के बाद तक तो रोटी खाने को भी मिला, घूमने को भी मिला और 2-4 पैसा भी मिल गया, 200-400 रुपया, तो फायदा ही हुआ। तो बस हमने सोचा कि चलो तो आ गए, अगर कल दूसरा पार्टी बुलाएगा तो हम फिर दूसरे पार्टी में भी चले जाएंगे, हमारा काम क्या है। तो लोगों का जो कंसेप्ट है, गांव के लोगों का जो कंसेप्ट है, यानी कि जो बेचारे गरीब लोग हैं वो लोग तो क्या करेंगे, जहाँ 2 पल की रोटी खाने को मिलेगा, घूमने को शहर घूमने को मिलेगा, और जहाँ पे 2-4 पैसा अगर नेताजी लोग है ना लालच दिखा करके थोड़ा सामने पैसा फेंकेंगे तो गांव के लोग तो कूद पड़ेंगे वहीं। लेकिन उनको अगर पूछा जाए कि जो किसका पार्टी के हैं, वास्तव में वो लोग किसी के पार्टी के है नहीं, और उसको किसी से मतलब भी नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि देखो चाहे ये पार्टी आए चाहे वो पार्टी आए, चाहे ये पार्टी जीत ले चाहे वो पार्टी जीत ले, जब तक उन लोग वो पार्टी जीतती नहीं है तब तक बड़ा बड़ा भाषण करते हैं, जैसे पद में आ जाते हैं जैसे कुर्सी में आ जाते हैं वो सारा भाषण भूल जाते हैं और वो जनता लोग को भी भूल जाते हैं, वो अपने स्वार्थ में पड़े रहते हैं, इसलिए हम किसी के पार्टी के नहीं है। तो गांव के लोगों ने ऐसा कहा। तो इसी प्रकार से देखिए जो भगवान को जो जानता है, यानी कि जो जो जानता है बोला, और जो नहीं जानता है, दो ग्रुप जो हुआ था संत के कहने पे, जो भगवान को जानते हैं बोला, वास्तव में वो लोग जानते ही नहीं है। जैसे आजकल जब हम लोग घरों में जब कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि ये कथा तो हमने 1000 बार सुनी है शास्त्री जी, ये कथा हम लोग ने 1000 बार सुनी है, इसको संक्षेप में बताइए, शॉर्टकट करके बताइए और जल्दी जल्दी खत्म कर दीजिए, है ऐसा ऐसा कहते हैं, ऐसा सुनने को मिलता है लोगों के घर में जब आप सत्संग करने जाते हो। तो संत जी कहते हैं कि देखिए जो कथा शास्त्र में भी ऐसा आता है, जो व्यक्ति अपने आप को भक्त समझता है वो वास्तव में भगवान का भक्त है ही नहीं, क्योंकि भगवान का भक्त कभी अपने आप को मैं भगवान का भक्त हूँ बोलता ही नहीं है। तो संत भी ऐसे कहते हैं कि जो लोग सोच रहे हैं कि मैं भगवान को जान चुका हूँ और जानता हूँ, वास्तव में वो लोग ने जाना ही नहीं है भगवान को, और जो लोग भगवान को जानते नहीं है बोला, वो जानने की प्रोसेस में है, जानने की इच्छुक हैं, जानने के लायक हैं वो लोग, वास्तव में वही लोग भगवान को जानते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को
वही लोग जान लिया, जो नहीं जानते हैं कहते हैं, तो जो जानते हैं बोला वो लोग का वाणी बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने कोई सामर्थ्य नहीं है या नहीं हो सकती है। जो जानते हैं कहते हैं उनको उस उन लोगों लोक में कोई सामर्थ्य होता नहीं है बताने की है? कि भगवान क्या है। अगर आप पूछेंगे, अगर आप किसी के घर में सत्संग करने जाएंगे और जिस कथा, मान लीजिए उदाहरण के लिए सत्यनारायण की कथा हो रही है घर में, और सत्यनारायण की कथा आप पूछो कथा से पहले कि कितने लोग सत्यनारायण की कथा सुनी है और कितने लोग को पता है, तो सभी लोग हाथ खड़ा करेंगे मोस्ट लाइकली। हाँ, और जब सभी लोग ने कथा सुन ली है, सभी लोग ने कथा जान ली है, सभी को मालूम है, बोलने के पश्चात आप कथा का प्रश्न करो कि जो राजा टुंग ध्वज थे वो अगले जन्म में क्या हुआ, जो राजा उल्कामुख थे उनका अगले जन्म में क्या हुआ, ये भद्रशिला नदी कहाँ से जाती है, कौन था वो ब्राह्मण, या वो ब्राह्मण का नाम क्या था जिनको सबसे पहले सत्यनारायण भगवान ने दर्शन दिया था, वो राजा कौन था जिसका सब कुछ भगवान ने छीन लिया था प्रसाद का अवहेलना करने से, वो जो वैश्य था अपने जवाई के साथ व्यापार करने के लिए कौन सा राज्य में चला गया था और उसका सर्वस्व लूट लिया था राजा ने, धन संपत्ति। तो अगर आप प्रश्न करेंगे इस तरीके से तो कोई भी जवाब देने के लिए, यानी कि जवाब दे नहीं पाएंगे, सबका मुंह बंद रहेगा और मुंह एक दूसरे अपने अपने मुखों में एक दूसरे के मुख में देखेंगे और कहते हैं कि हमने कथा 1000 बार सुनी है और कथा सबको आता है। तो इसका तात्पर्य यही होता है कि जो सोचता है कि अपने आप को सब कुछ आता है, जो सोचता है अपने आप को जानता है, वो वास्तव में वो जानता ही नहीं है कुछ भी। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि जानने वाला व्यक्ति कभी अभिमान नहीं करता है, जानने वाला व्यक्ति कभी ढेंगा नहीं मारता है, जानने वाला व्यक्ति कभी अपने आप को समझदार नहीं समझता है। तो इस प्रकार से जो गुंगों से गुणा खाएं, मुख स्वादन काहू बतावे। अच्छा, मानो मैंने जान लिए यहाँ कि मुझे ज्ञान है, तो ज्ञान के बाद भी मैं नहीं बता सकता हूँ कि वो कैसा है। जैसे आपने खीर कभी खाया, कभी खाया नहीं, और मैंने खीर खाई, मैं हमेशा हंस रहा था, अब जब आपने कहा कि महाराज काहे को हंस रहे हो, मैंने कहा खीर खाई नहीं, और तुमने कभी खीर खाया ही नहीं, हमने तो खीर खाई है, तो आप बोले आप क्या बोले, आप बोला महाराज ये खीर कैसी होती है। मैंने कहा खीर तो गन्ने का रस जैसा मीठी होती है। जब आपने गन्ना का रस नहीं पिया, फिर आप बोले कैसी मीठी, और मैंने कहा शहद जैसा मीठी, चीनी जैसा मीठी, आपने कभी शहद भी नहीं खाया, मावा भी नहीं खाया, हानि, और बताओ ना महाराज कैसा मीठी होती है खीर। अरे मैंने कहा खाट जैसा मीठी होती है खीर, तो आपने कभी खाट भी नहीं खाई, फिर आप बोले और बताओ ना साहब कैसे मीठी होती है। मैंने कहा खीर मीठी होती है,
चीनी जैसी। लेकिन आपने चीनी भी कभी खाया नहीं, फिर बोले बताओ ना कैसे होती है मीठी। अब मैं कितने बार आपको मीठी बोलूंगा, हाँ मीठी 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 कितने बार आपको बोले। आपका मुख मीठा तभी होगा जब आप भी खा के देखेंगे, ठीक है ना। ये मीठा का अनुभव आपको तभी होगा जब आप ये मीठा खा के देखेंगे, नहीं तो मैं आपको कितना उदाहरण दूंगा, ऐसा मीठा होता है वैसा मीठा, लेकिन आपने कोई खाया ही नहीं है, स्वाद किसी का पाया ही नहीं है, तो हम कितना कितना चीज ऐसा मीठा वैसा मीठा बोल के कितने का नाम लिया लेकर के वो होगा, प्रैक्टिकल होगा, संभव होगा, तो आप कैसे समझेंगे। तो समझने के लिए अब तो जितना भी बार हम मीठी मीठी बात बोलें ये आपके समझ में आने वाला नहीं है, और जब ही आए तभी आएगा होगा आपको जब आप भी खा के देखेंगे। तो इस प्रकार से परमात्मा का जो स्वरूप है ना वो क्या है, उसको जिसने जान लिया वो कितना भी प्रयास करें दूसरों को बता ही नहीं सकता। परमात्मा को जिसने जान लिया वो कितना भी प्रयास करें दूसरों को बता नहीं सकता। दूसरा तो तभी समझ सकता है जब वो भी जान ले कि वह कैसा है। केवल बताने से तो हो नहीं सकता। गूंगे आदमी ने गुण खा लिया, वो जितना भी बोला गुण 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 बोल ही नहीं सकता। वो बता ही नहीं सकता वो, तो वाणी की पहुंची उसके पास नहीं है, वाणी की पहुंची उसके पास नहीं है। ये तो चिंतन का विषय है, ठीक है ना। इसलिए एकांत में बैठ लो और उस प्रभु का चिंतन करो, नित्य चिंतन करो। सिर्फ बताने से नहीं होता है हर चीजें, और सिर्फ सुनने से भी नहीं होता, इसका स्वाद अनुभव करना पड़ता है। इसका स्वाद को पाना है तो जीवन में उतारना भी पड़ता है। तो इसलिए ध्रुव जी कहते हैं कि देखिए, भगवान से कहते हैं कि प्रभु आपकी कितनी बड़ी कृपा है, आपने कितनी बड़ी कृपा कर दी मेरे ऊपर, आपने कितना बड़ा आशीर्वाद दे दिया, ये मुझे प्रकट होकर दर्शन दे दिया आपने। तो भगवान ने कहा कि ध्रुव तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, वो तो बात ठीक है, अब ये बताओ कि मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ और मैं यहाँ प्रकट भी हो गया, मैं तुम्हारे सामने हूँ, अभी तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, इसलिए तुमने इतना घोर तपस्या किया है, कहो क्या चाहिए अभी तुम्हें। तो भगवान इस प्रकार से ध्रुव जी को कहते हैं वरदान मांगने के लिए। ध्रुव ने कहा मुझे प्रभु अगर देना है तो एक ही चीज दीजिए, क्या दीजिए, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश। नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हे प्रभु मुझे आपके चरणों की प्रीति बनी रहे,
प्रीति चाहिए, भगवान के चरणों की प्रीति चाहिए, ऐसा ध्रुव ने कहा। अच्छा कभी कभी क्या होता है, हम ऊपर से प्रेम मांगते हैं, ऊपर से भक्ति मांगते हैं, पर मन में सोचते हैं कि बेंगलोर बना जाए तो अच्छा हो। ऊपर से आप क्या बोलते हैं, उतना महत्व तो नहीं है। मन में क्या सोचते हैं उसका ज्यादा प्रवाह है। भगवान तो भीतर ही बैठे हैं ना, मन वाली बात पहले पकड़ लेते हैं। प्रभु ने देखा कि बड़ी भक्ति मांग रहा है ये ध्रुव जी, है बड़ी स्तुति कर रहा है, पर ये जो जंगल में आया, ये जंगल में क्यों आया था? ध्रुव को जंगल में आने का जो मूल उद्देश्य है, माता सुरुचि को मंच पर, जब सुरुचि ने उनको मंच पर बैठने नहीं दिया, तो अभी माता सुरुचि को मंच पर बैठ करके दिखाना है उनको, तो ये क्या बोलते हैं भावना से, ये विचार से वो आए थे जंगल में तो तपस्या करने। और जैसे ध्रुव जी लौट करके घर गए, तो पिताजी उनका बड़ा सत्कार किया, क्योंकि अब तो भगवान का दर्शन करके आए हैं, भगवान को पा करके आए, तो इन्होंने सब कुछ पाया है। यद्यपि ध्रुव जी ने भगवान के चरणों में प्रीति मांगी, फिर भी भगवान सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में बास करते हैं, तो सबके मन की बात भी जानते हैं। इसलिए जब सबके मन की बात जानते हैं, और ध्रुव जी क्या जो मेन उद्देश्य था जंगल में आने का वो बात भी जानते थे, तो देखिए तपस्या करने के बाद जब ध्रुव जी ने कुछ भी नहीं मांगा, तो भगवान ने बोला अच्छा कोई बात नहीं, तुम अगर मेरे चरणों में प्रीति चाहती हो तो तथास्तु, तुमको ये तो मिलेगा ही, लेकिन इसके अलावा तुमको सबसे बड़ा राज्य मिलेगा, तुम्हारा पिताजी से भी बड़ा राज्य मिलेगा। तो इस प्रकार से उनको जो उनका चाहना था वो भी इच्छा, उनका भी इच्छा प्रकट किया। देखो तो इसीलिए जब भगवान के पास जब कोई जाता है, तो अगर तुम सीमित ही मांगोगे तो सीमित ही रह जाओगे, लेकिन जब भगवान को ही पा लिया तो कुछ मांगने का जरूरत नहीं। अगर भगवान को नहीं, भगवान से कुछ नहीं मांगा, तो आपको भगवान तो मिल ही गए, भगवान के साथ साथ जो तुम्हारे जीवन में आवश्यकता है वो भी सब मिल जाएगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो इस तरीके से ध्रुव महाराज ने सब कुछ पा लिया, भगवान को भी पा लिया, और भगवान की भक्ति भी प्राप्त कर ली, भगवान के चरणों में प्रीति भी प्राप्त करी, और खुशी से भगवान इस प्रकार से अंतर्ध्यान हो गए। उनको कुछ पाठ पढ़वा कर उन्होंने कहा कि अभी तुम घर चले जाओ, सब तुम्हारा राह देख रहे हैं, और तुम अपना राजपाठ संभालो, और अंत जब अंत समय आएगा फिर तुमको ध्रुवलोक दिया जाएगा, और तुम ध्रुवलोक में जाके बास करना, जो तुम्हारे महाराज पिता महाराज से भी बड़ा है लोक है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से वे ध्रुव जी का विशेष आशीर्वाद दे करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए, और ध्रुव जी घर को लौट रहे हैं। तो तब तो नारद जी भी आए थे, तो उनको साथ साथ नारद जी भी चले गए। और जब घर में जाए गए तो समाचार मिला महाराज उत्तनपद को, ध्रुव जी पधार रहे हैं। तो बस उनको लेने के लिए पूरा पूरा महल सजवाया स्वागत के लिए। अब तो साधारण बच्चा, सिर्फ लड़का नहीं था, 5 साल का बच्चा नहीं था, पर कि भगवान को पाने वाला तपस्वी
एक क्षत्रिय तपस्वी बालक थे, राजा के राजा ही थे ध्रुव महाराज। अब तो उनका सत्कार तो और भी बढ़ गया और बहुत इज्जत के साथ उनको दूर तक सजा करके, रथ लेके, रथ सजा करके उनको स्वागत करने के लिए राजा आ गए, रानियां भी आ गए, दोनों माताएं आ गए, सारे राज्य के लोग आ गए, जनता लोग आ गए उनका स्वागत करने। इस प्रकार से उनका स्वागत करके लेके जाते हैं राज्य में, अभिनंदन करते हैं उनको। और जैसे इस प्रकार से वो लोग वहां गया, तो जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करही सब को ही। तो जहां पर भगवान गोविंद जी का जहां कृपा हो जाए तो उसका विरोधी कोई हो ही नहीं सकता है। देखिए इस प्रकार से ध्रुव जी आए तो पिताजी ने कहा जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है, इसलिए बेटा अभी क्षमा करना, हमसे भूल हो गया। तो जब इस प्रकार से जा रहे थे तो सबसे पहले देखिए ध्रुव जी ने क्या किया, जाते ही सबको जब देखा, मालूम है क्या किया ध्रुव जी ने? ध्रुव जी ने सबसे पहले जाके अपनी सौतेली माँ अपनी सौतेली माँ को प्रणाम किया। देखिए अगर हम लोग होते तो सौतेली माँ के मुंह में तक देखते नहीं थे, देखते होंगे शायद। उन्होंने तुमको धकेल दिया, पिताजी के गोद में बैठने से धकेल दिया, उन्होंने अपमान किया, भगवान को अपमान किया, आपको अपमान किया, इसके फलस्वरूप तुमको इतना तपस्या करना पड़ा। शायद अपने मन में से नेगेटिव विचार के अलावा दूसरा कुछ होता ही नहीं था। लेकिन देखिए ध्रुव जी जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो भगवान को पाया होते हैं, पाते हैं, जो भगवान को जानते हैं, जो भगवान को अपने जीवन का ही प्राथमिक चीज मानते हैं, वो लोग का स्वभाव और विचार व्यवहार अलग होता है। ध्रुव जी ने क्या किया, सबसे पहले अपनी माँ को जाके प्रणाम नहीं किया, बल्कि अपने सौतेली माँ को सबसे पहले जाके प्रणाम किया। और कहते हैं कि माँ यदि तुम कृपा नहीं करती, यदि तुम दुर्व्यवहार या दुर्वचन नहीं बोलती तो आज मुझे मेरा गोविंद कैसे मिलता, ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए ये तो आपकी कृपा से कृपा है और आपकी कृपा से ही मुझे गोविंद, मेरा गोविंद मिला है। यदि आपके दुर्वचन यदि आपके दुर्वचन मैं नहीं सुनता तो भला मुझे कृष्णा नारायण कैसे मिलते? और माता सुनीति से बोले यदि आप मुझे आत्मबल नहीं देती, अभी अपनी माता के पास जा रही है, अपनी माता के पास भी जाकर इनके चरणों में पड़ते हैं ध्रुव जी और बोलते हैं यदि माता आप मुझे आत्मबल नहीं देते या देते होते और आपने यदि मुझे सुंदर उपदेश नहीं दिया होता माता, तो आज गोविंदा को जो मैंने प्राप्त किया है मुझे बिल्कुल ये प्राप्त होने का संभावना नहीं था, चांस ही नहीं था, शायद आज भगवान को मिलता नहीं, इसलिए आज कृष्ण मुझे कैसे मिल पाया वो आपकी ही कृपा था।
आपका आत्मबल था, आपका शिक्षा था, आपका सत्संग था, आपका उपदेश था, ये आपका उपदेश का प्रभाव था। तो ऐसे कह करके अपने माता के चरणों में प्रणाम किया ध्रुव जी ने, और इसके बाद पिता ने ध्रुव को राजगद्दी में बैठाया, यानी कि राजगद्दी दे दी ध्रुव जी को, राजगद्दी दे दी। और महाराज उत्तनपद बन को चले गए। लेकिन राजगद्दी, राजगद्दी में बैठने ध्रुव जी को कोई मन नहीं था। जब बैठने को पड़ रहा है और पिताजी चले गए हैं तो उनको बहुत ही ग्लानी हुई। देखिए, उनको कोई राजगद्दी का शोक नहीं था, क्योंकि जब एक बार भगवान को प्राप्त कर लेता है कोई, तो ये सारा मटेरियल जो डिजायर्स होते हैं ना, भौतिक कामनाएं, इंद्रिय तृप्ति करने का जो इच्छा होते, जागृत होते हैं, ये सभी नष्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो भगवान को पाया तो इसके बाद तो इनको ये सब बिल्कुल ही मन नहीं था, पर क्या क्या किया जाए, भगवान का आदेश भी यही था। समाधिना नैक भवेन यत पादयो विदुषनन्दय ऊर्ध्वरेतस मासै महा मासै अहमा सद्धीर अमुष्य पादयो छयम् उपेत्य भगत पृथन्मति। तो ध्रुव जी कहते हैं कि जिन्होंने बड़ी बड़ी तपस्या करके भगवान को नहीं पा सके, यानी कि नहीं पा सकते हैं, उनको मैंने पा लिया, तो वो भी थोड़े से ही महीना में भगवान को पा लिया। लेकिन लेकिन मेरी बुद्धि को देखो, उनको बहुत ही ग्लानि रो रहा है, लेकिन मेरी बुद्धि को देखो, भगवान को पाने के बाद भी अभी मैं जैसे पढ़ा हूँ, बहुत ही ग्लानि रो रही है, बहुत ही शोक शोक हो रहा है उनको। अहो बत ममान्याम्याम मंदभाग्यस्य पश्यत भवचिद्ध पदमूलं गत्वा यचे मदन्तव। कहते हैं कि मैंने भगवान को पाकर भी दुनिया को मांगा, मैंने गोविंद को पाकर भी संसार को मांगा। तो इस प्रकार से बड़ी बड़ी ग्लानि हुई ध्रुव को, ध्रुव के मन में बहुत ही ग्लानि हो रहा है। एक पंक्ति है, तब पछुताएं होतक जब चिड़िया चुभ गई खेत। पर देखिए, ध्रुव के भाई थे जो उत्तम, बड़े उदंडर थे। ध्रुव जी भगवान के इतने भक्त थे, और अब ग्लानि रो रहा है उनको, ये सब मटेरियल चीजें मिल रहा है, भौतिक सुख मिल रहा है, उनको ग्लानि रो रहा है, लेकिन क्या किया जाए। चिड़िया में, यानी कि खेत में चिड़िया धान खाने के बाद अभी पश्चाताप करने से क्या फायदा है? कहने का मतलब वही है कि तब पछुताएं होत का धन जब चिड़िया चुप गई खेत। तो इसलिए पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है, जो होना था सो हो चुका है। अभी अभी इस प्रकार से
उनके जो भाई थे ध्रुव के भाई जो उत्तम थे, वो उनका उस उनका थोड़ा वर्णन आता है, वो बड़े उदंड थे। तो एक बार क्या हुआ, वो बचपन से ही उदंड थे बड़, वो तो एक बार क्या हुआ, वो जंगल में गए। उत्तम जब इस प्रकार से जंगल में जा रहे थे, तो जंगल में जाकर के महाराज यक्ष लोक के बगीचों, यक्ष लोक के जो बगीचे हैं ना, बगीचियों को उजाड़ने लगे। यक्ष लोक ने कहा कि माफ करना साहब, ये हमारे बगीचे हैं और हमारे बगीचे को मत उजाड़ियो। ये कुबेर महाराज की क्रीड़ा भूमि है, यक्ष लोग कह रहे हैं उत्तम से। पर उत्तम सुनता ही नहीं है, यक्षों का बात सुनते ही नहीं है, और अपने मनमाना कर रहे हैं किसी की संपत्ति के ऊपर। हाँ, कुबेर देव कुबेर के बगीचे में जाके सब उल्टा पाल्टा कर रहे हैं, तोड़ फाड़ कर रहे हैं। तो जब सुना, एक नहीं सुना तो क्या हुआ, तो युद्ध छिड़ गया आपस में, यक्षों के साथ क्या बोलते हैं उत्तम का युद्ध छिड़ गया। और जब युद्ध हुआ तो धूमधाम से युद्ध हुआ, धमाशा, बहुत ही दिनों तक युद्ध हुआ। दोनों साइड के लोग, पक्षों से आदमी लाखों मारे जा रहे हैं, और अंततः यक्षों के द्वारा ध्रुव को, यानी कि ध्रुव के जो भाई थे छोटे भाई उत्तम, उनका मौत हो गया। हाँ, वो मारे गए यक्षसों के हाथों से, हाथों के द्वारा। हाँ, तो जब ध्रुव महाराज को इस प्रकार से अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना मिला, तो समाचार सुनकर के ऐसा आता है भागवत में कि ध्रुव की, जब उनको सुना ये समाचार मिला कि ध्रुव का भाई उत्तम को यक्षसों ने मार दिया है, तो ध्रुव का क्रोध का ठिकाना नहीं रह गया, बहुत क्रोध हो गए यक्षसों के साथ, और बहुत बड़ी भारी सेना लेकर के ध्रुव जी यक्षों के पास, यानी कि यक्षसों के ऊपर धावा बोल दिया। पर यहाँ प्रश्न, यहाँ एक प्रश्न आती है, यानी कि यहाँ एक प्रश्न होती है कि ध्यान से सुनना, बीच में प्रश्न आता है कि जैसे ध्रुव जैसे व्यक्ति, यानी कि भगवान का दर्शन जिसने, यानी कि जिसको हो गया है या हो जाए, उसके मन में क्रोध आना चाहिए या नहीं चाहिए? और दर्शन हो जाने के बाद यदि क्रोध आता है तो फिर दर्शन का मतलब ही क्या हुआ? ये ध्यान से सुनने की बात है। जिसने भगवान का दर्शन किया है उसको क्रोध आना चाहिए या नहीं चाहिए? और जिसने भगवान का दर्शन करने के बाद भी यदि उसको क्रोध आती है, तो इसका मतलब भगवान का दर्शन करने का मतलब ही क्या हुआ? क्योंकि ध्रुव जी ने तो भगवान का दर्शन पाया था, यानी कि ध्रुव जी को तो प्रत्यक्ष परमात्मा ने दर्शन दिया था। तो फिर अपने एक उदंड भाई के लिए, यानी कि भाई के बदले में हजारों निरपराधों यक्षसों को अभी मारने के लिए दौड़े, यानी कि दौड़ पड़े हैं, क्यों? भगवान जिसको मिल जाए उसको तो क्रोध आना ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? तो कहते हैं कि देखिए,
ध्रुव जी को भगवान का दर्शन तो हुआ था, पर अभी सत्संग उनको इनफ नहीं मिला था। छोटे थे ना, और छोटे छोटेपन में भला कितना सत्संग करेंगे, और जितना भी माँ थोड़ा उनको लेके जाती थी इधर उधर, बहुत कम था, उतना सीख नहीं पाते उतना छोटा उम्र में। तो इसलिए जो सत्संग होता है, बहुत उनको सत्संग कम पड़ा था, कम हुआ था सत्संग का। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने भगवान का दर्शन तो किया, पर सत्संग नहीं हुआ उनका, इनफ सत्संग नहीं हुआ। इसका मतलब ये बताना चाहते हैं कि भगवान के दर्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण भगवान के भक्तों का सत्संग करना होता है। सत्संग भगवान का दर्शन से भी ज्यादा जरूरी है। यदि भगवान से ज्यादा सत्संग का नहीं होता तो क्या होता, राजा परीक्षित को कथा सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ता। आया समझ में? यदि सत्संग भगवान का दर्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, महत्वपूर्ण नहीं होता, तो परीक्षित महाराज को कथा सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। सुखदेव जी महाराज के साथ ये कथा सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनको भगवान का दर्शन तो गर्भ में भी हुआ था। हम लोग ने सुना था पहले ही। और परीक्षित महाराज ने जन्म लेने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया था, है कि नहीं? हुआ था कि नहीं? हाँ, तो फिर तो भगवान ने तो, यानी कि भगवान का दर्शन तो परीक्षित को जन्म से पहले ही हुआ था, और तो जन्म के बाद ही हुआ था, फिर भी उनको भागवत सुनने की जरूरत क्यों थी? यदि भगवान को देखना ही काफी था तो फिर भागवत सुनने की जरूरत क्या थी परीक्षित को? तो कहते हैं कि देखिए, जो भगवान के दर्शन जो भगवान के दर्शन के बाद भी मनुष्य को यदि क्रोध आता है, तो उसका ये समझ लेना चाहिए कि सत्संग का लैकिंग है, कमी है। लेकिन यदि सत्संग मिल जाए तो परिवर्तन आ सकता है। तो आप लोग से ये बताना चाहते हैं कि भगवान का, यानी कि भगवान के दर्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण महत्व सत्संग का होता है। यही भगवान सुखदेव जी महाराज बताना चाहते हैं। भगवान का दर्शन से महत्व सत्संग होता है, इसलिए सत्संग करने के लिए हम लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। लोग समझते नहीं है सत्संग का इम्पोर्टेंस कितना होता है। तो अच्छा, एक बात बताइए, ये क्या बोलते हैं, दुर्योधन, दुर्योधन ने अपने जीवन में कितने बार भगवान का दर्शन किया होगा? भगवान श्री कृष्ण का 10-20 बार तो देखा ही होगा, भगवान का दर्शन किया होगा। हाँ, 10-20 बार तो दुर्योधन ने भगवान का दर्शन तो किया ही था होगा। शिशुपाल ने, शिशुपाल तो नाते लगते थे भगवान कृष्ण के। तो उन्होंने तो 2-4-5 बार तो उन्होंने भी भगवान का, अपने जीवन में भगवान का, कृष्ण का दर्शन किया होगा। देखा ही था वो, उसने भगवान को तो देखा ही था। और उन्होंने क्या क्रोध को जीता?
क्या शिशुपाल ने अपने क्रोध को जीता? क्या दुर्योधन ने अपने क्रोध को जीता? क्या ये लोग ने अपने काम को जीत सके? नहीं, क्योंकि देखिए मेन कारण क्या है कि उनके जीवन में राज परिवार के थे वो लोग। राज परिवार में वो लोग को वैभव ऐश इतना होता है, तो ये लोग का सत्संग बहुत कम पड़ जाता है। सत्संग इनका कमी था। देखिए वो लोग को सत्संग नहीं मिला। देखो पांडव लोग को सत्संग बहुत मिला था। ये लोग बचपन से क्या वन में थे, ऋषि मुनियों के आश्रम के आसपास में रहते थे पांडु महाराज के साथ। जब उनकी माँ उधर चले गई थी, ऑफकोर्स बाय द टाइम ये लोग बड़े हो गए, तब तक तो ये लोग के पास काफी सत्संग मिला था साधु संतों का। सभी साधु संतों का आशीर्वाद इनके ऊपर था, स्वयं भगवान का आशीर्वाद था। लेकिन जो कौरव लोग थे या ये जो वो था शिशुपाल, ये दुर्योधन, ये लोग ने भगवान को देखा था, पर ये लोग का सत्संग कभी नहीं मिला था। तुलयामलवेरापि न स्वर्गम न पुनर्भवम् भगवत संग संगस्य मर्त्यानां किमतां शिष। और इसका हिंदी रूपांतर है कि तुलसीकृत रामायण में तात स्वर्ग अप मर्ग सुख धरियत लायक अंग तुलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सतसंग। तात्पर्य यह है कि देखिए आप यदि तराजू के एक पहले पर स्वर्ग का जो मोक्ष है सभी को रख लीजिए, और दूसरे ओर 1 मिनट का सत्संग रख लीजिए। क्या रखने का? एक तरफ स्वर्ग का जो मोक्ष, सब मोक्ष जो स्वर्ग में मिलता है वो सब एक जगह में एक ओर रख लीजिए तराजू में, और दूसरी ओर 1 मिनट का सत्संग रखिए, तो ये सब मिलकर के भी सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। कबीरदास जी भी, कबीरदास जी महाराज भी कहते हैं भजन में, कहते हैं एक भजन है, संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो इस प्रकार से एक भजन आता है ऐसा। तो यदि सत्संग करोगे, संतों का संग करोगे, संतों का सेवा करोगे, संतों को घर में बुला करके भोजन कराओगे, दान दक्षिणा करोगे, संतों के द्वारा कथा श्रवण करोगे, जिज्ञासा बस होकर, चैलेंजिंग मूड से नहीं, दिखावा के लिए नहीं, लेकिन जिज्ञासा बस, जिज्ञासु होकर सेवा करते हुए संतों के द्वारा यानी कि संतों से प्रश्न करोगे भगवान के विषय में, भागवत के विषय में,
तो तुम्हारा सब कुछ अच्छी बनेगी, बिगड़ा हुआ चीज भी बनेगा। ये बात हम लोग देख रहे हैं कि ध्रुव जी का सब बिगड़ा हुआ था। हाँ, माँ को निकाल दिया था, सौतेनी माँ ने उसको भी गोदी में बैठने से मना कर दिया, अलग कर दिया। लेकिन ध्रुव जी ने जब सत्संग किया माँ के साथ जा करके, और बाद में फिर नारद जी का सत्संग, नारद जी जैसे महान पुरुष का भी सत्संग मिला, तो बस प्रहलाद प्रहलाद क्या सॉरी ध्रुव जी का तो बन गई। ध्रुव जी की सब कुछ बन गई, सब जितने बिगड़े हुए थे सब बन गया, प्रहलाद महाराज जी का भी बन गया, ध्रुव जी का भी बन गया। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। तो इस प्रकार से काका से तोहे हंस बनावे, मिट जाए और के दागरे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी किसी आदमी ने अपने पत्नी का नाम माला में जपती हुई दिखा है क्या? किसी ने अपनी पत्नी का नाम माला में, अपनी माला में जपते हुए देखा किसी ने? बताइए, या सुना है कभी किसी ने किया ऐसा? देखने का तो बात छोड़ दीजिए, किसी ने सुना है? हाथ खड़ा करिए अगर किसी ने सुना है तो। कोई भी अपनी पत्नी का नाम माला में जपते नहीं है। विशेष करके तुलसी माला हाथ में लेकर के, हाँ? मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी, मेरा बेटा मेरा बेटा, हाँ? ऐसा माला पे कोई नाम जपता है क्या, पत्नी या बच्चों का नाम लेकर? हाँ? पत्नी और बच्चे के लिए हम कभी माला लेकर नहीं बैठते हैं, फिर भी 24 घंटा उनकी याद आती है कि नहीं? पर भगवान के लिए माला लेकर जब बैठ जाते हैं, माला लेकर के बैठ करने के बावजूद भी क्या होता है, फिर भी नींद आती है। जिसका नाम जपने के लिए हम लोग माला पकड़ लेते हैं तो उसको याद नहीं आता है, और नींद आ जाती है, मन में लाखों चीज लाखों बातें आ जाती है, याद आ जाती है। और जब पत्नी का बच्चों का परिवारों का जब हम लोग माला भी जपते नहीं है, और उनका याद आता है, उनका याद करते रहते हैं, देखिए है? 24 घंटे में यानी कि 2400 घंटा उनकी याद आता है, परिवारों की, परिवार के यादों में खोए होते हैं, पर भगवान के लिए माला लेकर बैठे फिर भी नींद आती है, भगवान की याद नहीं आती। बोलिए, जय श्री कृष्ण, इसका मतलब क्या हुआ? जिसको आप मानते हो बिना माला भी याद होता है, और जिसको आप मानते नहीं उसको माला लेकर के भी नींद आती है। सोत बित नारतीन आशाए त्याग सके तोई ने त्याग रे। कबीरदास जी कहते हैं कि कहते कबीर सुनहु भाई साधो, कहते कबीर राम
सुमिरन में पात सके तो मन पागरे तेरी अच्छी बनेगी। तो इस प्रकार से सत्संग में क्षमता है, कि कौवे को हंस बनाया जा सकता है, क्योंकि क्योंकि सट सुध रहे सतसंगति पाई, पारस पारसी कुधातु सुधाई। कुधातु मतलब लोहा, कुछ क्षीप धातु शनि का वास भी है, कुछ क्षीप मतलब धातु शनि का वास भी है उसमें। तो जो पारस मणि को यदि लोहे में क्या किया जाए, लगा दिया जाए, तो लोहा क्या हो जाता है, सोना बन जाता है। पारस मणि के संग रह करके तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि ऐसा ही दिव्य सत्संग, ऐसा ही जो सत्संग होता है वो दिव्य होता है। यदि ऐसा दिव्य सत्संग मिल जाए तो जिस प्रकार से पारस मणि लोहा को सोना में बदल देती है, उसी प्रकार से सत्संग से आत्मज्ञान का अनुभव होता है और सत्संग से यानी कि सत्संग मिले तो व्यक्ति के जीवन में आमूल परिवर्तन हो सकता है। तो ध्रुव जी को नारद जी ने भगवान से मिलने का प्रेरणा दी थी इस प्रकार से। अभी हम लोग देखते हैं आज दुनिया में संसार में देश विदेश लोग से, जैसे हम लोग ने सुना था वृंदावन में, आज देश प्रत्येक देश के वासी लोग आते हैं वृंदावन धाम में भगवान का दर्शन करने के लिए। ये कैसे संभव था, एक गांव में जहाँ कोई जानता भी नहीं था, एक गांव में कोई शहर नहीं था, कोई एकदम ही क्या बोलते हैं रिमोट एरिया का गांव था, वहां पे आज संसार भर के लोग कैसे आना शुरू कर दिया, ये सब सत्संग का ही तो प्रभाव है। प्रभुपाद जी ने ऐसा सत्संग दिया संसार भर घूम घूम के स्वयं, और हरि नाम का जो मंत्र दिया, प्रसाद दिया, ये प्रसाद का ही तो, प्रसाद और सत्संग और प्रभु का नाम कीर्तन का तो का ही तो प्रभाव है। ध्रुव जी को भी भगवान भगवान श्री नारद जी ने मंत्र दिया प्रभु से मिलने के लिए, पर उन्हें आत्मज्ञान का उपदेश तो नहीं दिया क्योंकि टाइम नहीं था आत्मज्ञान का उपदेश देने के लिए, सिर्फ मंत्र दे दिया था। इसलिए उनको सत्संग बहुत कम हो गया था, और सत्संग कम हो गया तो बस यक्षसों को मारने के लिए दौड़ पड़े, प्रतिशोध अपने भाई उत्तम का को मार दिया तो उसका बदला लेने के लिए निकल पड़े। तो उनको भला यहाँ पे कोई रोक नहीं पा रहा है, इतने यक्षसों को मार रहे हैं, लाखों यक्षसों मारे जा रहे हैं, अनावश्यक घोर युद्ध संग्राम चल रहा है, कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा है। तो क्या होता है जब ऐसा हाहाकार मच जाता है और इस प्रकार से ध्रुव जी सबको मारे जा रहे हैं, तो अंत में जब कोई इशारा नहीं हो रहा है तो क्या होता है, उनके पितामह स्वयं भुव मनु आकर के बहुत सुंदर उपदेश देते हैं ध्रुव जी को, स्वयं भुव मनु आकर के उपदेश देते हैं। देखो ध्रुव जी को उपदेश देने के देने का कोई था, नारद जी ने भी मंत्र देकर के छोड़ा और सत्संग भी उनको बढ़िया से नहीं मिला था, अभी छोटे ही थे तपस्या में लगे थे, तो स्वयं भुव मनु आके सत्संग दे रहे हैं उनको,
उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं नायम मर्गो ही साधु नाम ऋषिकेशानुवर्तिनम्। बेटा ध्रुव, जिस मार्ग पर तुम चल रहा है ना, ये ऋषियों का अनुवर्तियों का मार्ग नहीं है। ऋषिकेश कृष्ण का नाम है। तू एक उदंड भाई के बदले क्रोध में भर के हजारों निरअपराधियों को मारने के लिए तुला हुआ है। बेटा ये सत्संग का स्वभाव नहीं है, ये भक्त के प्रकृति में नहीं होता है। स्वयं भगवान मनु ने कहा ये तुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। और एक बात कह देता हूं, भगवान केवल दिन में 5 बार यहाँ मंदिर जाने से खुश नहीं रहते हैं। भगवान केवल 50 मिनट यानी कि 50 लोटा पानी लुटकाने से खुश नहीं होते हैं। भगवान प्रसन्नता या भगवान का प्रसन्नता का जो सर्वोत्तम है साधन है, वो सबके प्रति प्रेम या भाव रखना। तितिक्षय करुणया मैत्रेय चखिल जंतुषु। साधु के जो लक्षण बताए हैं स्वयं भगवान मनु ने, तितिक्षय करुणया मैत्रेय चखिल जंतुषु समात वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। स्वयं भगवान मनु कहते हैं कि महात्मा कैसा हो, भक्त का लक्षण कैसा है। बोले तितिक्षया, स्वयं भगवान मनु कह रहे हैं तितिक्षु होना। तितिक्षु का मतलब है बड़े से बड़े कष्ट को भी हंस करके सह लेना। और महात्मा का दूसरा लक्षण है बेटा, वो है करुणाया, सबकी प्रति करुणा का भाव रखना। मुझे डॉक्टर भी सुई चोकती है तो तकलीफ होती है, मैं तो किसी को सुई चोक क्या सुई क्यों चुके चुगू। किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं रखना। और तीसरा लक्षण है कि अखिल जंतुषु मैत्रेय, प्रत्येक जीव जंतुओं के प्रति मित्रता का भाव रखना। आजकल क्या हो जाता है, व्यक्ति का किसी पद को प्राप्त कर लेता है, किसी स्थानों को प्राप्त कर लेता है, किसी उच्च पद को ग्रहण कर लेता है, तो क्या करता है वो सभी से दुश्मन लगता है, सभी दुश्मन बन जाते हैं उसका। और वो सोचता है कि अभी उससे ऊपर कोई नहीं, उसको कोई हिला नहीं सकता, चला नहीं सकता है, या उसका पद चले जाएगा, उसके भय से पर पर एक एक सेकंड वो मरता है। वो बात करता नहीं है, शत्रु भाव रखता है, भय रखता है, बोलना नहीं चाहता है, सत्संग नहीं करना चाहता है, उसके आसपास जाना नहीं चाहता है। उसके जो कर्मचारी है, जो चाकर लोग है, उनको कहता है कि उनके साथ मत बोलो, उनके साथ सत्संग मत करो, उनके पास जाओ मत। 24 घंटा उसका नजर उनमें लगा रहता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं। तो या तो उनके चाकरों के पीछे लगा रहता है उनका मन, और अंदर से भय पड़ा रहता है कि मेरा कुर्सी कोई छीन ना ले, कोई छीन ना ले। और
उनके प्रतिद्वंदियों के पीछे भी लगा रहता है, और इस तरीके से कभी जीवन में सुख ही नहीं मिलता है उनको। ऐसा करने से अच्छा तो देखिए, शत्रुओं से भी, शास्त्र में कहा गया है कि शत्रु, चाणक्य पंडित बोलते हैं कि देखिए, शत्रुओं से भी यदि मित्रता का भाव रखें तो परिवर्तन आ सकता है, वो परिवर्तन हो सकता है। हाँ, आपकी मित्रता का भाव देख करके परिवर्तन हो सकता है वो, और उसको परिवर्तन किया, उसको मुट्ठी में लिया, तो हाँ, इस तरीके से अगर तुम सबको मुट्ठी में ले सकते हो तो तुम्हारा कुर्सी तो कहीं जाने वाला नहीं है, तुमको तुम्हारे पास ही रहेगा और तुम शक्तिशाली बनोगे, ये बुद्धिमानी है। हाँ? तो इसलिए शत्रु का तो बात ही क्या करना है, सभी लोगों से, हाँ? यानी कि सभी लोगों से मित्रता करना चाहिए, हाँ? मैत्री भाव रखना चाहिए। प्रत्येक जीव जंतुओं के प्रति मित्रता का भाव रखना चाहिए। मैं किसी निरअपराधों का अपराधियों निरअपराधों को क्यों सताऊं, जिसने मुझे कभी तकलीफ नहीं दिया उसे तकलीफ मैं क्यों दूं, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। क्योंकि सबसे, यानी कि सब में, हाँ, सबके हृदय में मेरा परमात्मा बैठते हैं। तुम ये यक्षसों को मारने के लिए जो तुले हो, इनको मारने का मतलब भगवान का अपमान करना है आप, हाँ? ये अच्छी बात नहीं है। ये स्वयं भगवान इस प्रकार से समझा रहे हैं ध्रुव जी को। तुलसिया संसार में सबसे मिलिए धाई, न जाने कोई रूप में नारायण मिल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसियां संसार में सबसे मिलाएं धाई, न जाने के ही रूप में नारायण मिल जाएं। संप्रसन्ने भगवती पुरुषः प्रकृते गुणै विमुक्तो जीव निर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाण ऋच्छति। संप्रसन्ने भगवती पुरुषः प्रकृते गुणै विमुक्तो जीव निर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाणम् ऋच्छति। इसका तात्पर्य यह है कि यदि परमात्मा की प्रसन्नता, यदि परमात्मा की प्रसन्नतात्म की द्योतक हैं, और एक बार मेरे गोविंद प्रसन्न हो जाएं तो जीवित ही व्यक्ति मुक्त हो सकता है। सबको, यानी कि सब में प्रभु को देखो। जिसने, गीता में श्लोक आता है, विद्या विनम्य संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनी सोनी चैव सपाके च पंडित समदर्शन। कहते हैं विद्या विनम्य संपन्न जो ज्ञानी होता है, जो सत्पुरुष होता है, वो ब्राह्मण को, हाथी को, कुत्ता को, यानी कि कुत्ता खाने वाला जो चंडाल होता है उसको, ये सभी को एक ही समान देखता है।
वो परमात्मा का दर्शन करता है हर जीव के अंदर। जिसने कुत्ते में भगवान का भगवान को नहीं देखा, जिसने कुत्ते में भगवान नहीं देखा, जिसने गधे में भगवान नहीं देखा, ऐसा व्यक्ति को मंदिर में भगवान मिलेंगे ये कंफर्म नहीं है, ये पक्की बात है। जो जीवों के अंदर भगवान को देखता नहीं है वो मंदिर में जाके वो भगवान को देख बिल्कुल नहीं देख सकता है, ये पक्की बात है। हाँ मूर्ति को देख करके वो भगवान को देखेगा ये कंफर्म नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में एक संत हुए थे जिनका नाम था एकनाथ जी महाराज। तो एक बार स्नान करने के लिए गंगोत्री में गए और गंगोत्री में स्नान करके करते समय उनके मन में विचार हुआ, यानी कि विचार आया कि ये दुनिया के जो लोग हैं ना सभी लोग माँ गंगा का जल लेकर के रामेश्वर को चढ़ाते हैं और हम लोग तो महात्मा हैं, तो हम लोग भी यदि ऐसा कर लें तो कमंडल में गंगा जल भर लिया और कहाँ गंगोत्री से रामेश्वर एकदम उत्तर से दक्षिण पैदल यात्रा में चले गए, नंगे पैरों से चलते रहे गंगोत्री से केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर रुद्रप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, फिर वृंदावन, उसके बाद फिर काशी और फिर अयोध्या, फिर प्रयागराज, मतलब पूरे भारत के तीर्थों में घूमते घूमते 8 वर्ष में रामेश्वर पहुंचे। ये एकनाथ जी महाराज, भगवान रामेश्वर का मंदिर लगभग 2-4 किलोमीटर दूर था, अभी इतने नजदीक पहुंच गए थे। तो बोले, मन में सोच रहे हैं कि अभी मेरा यात्रा सफल हो गई है, मैं अभी पहुंचने ही वाला हूँ, बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुश हो रहे थे। और सोच रहे थे कि अभी जा करके मैं ये गंगा जल इतने दिनों से जो लेकर के मैं हाथ में लेकर के चल रहा हूँ, मेरे हाथ में लेकर के चल रहा हूँ, अब मैं 1.5-2 घंटा में जब पहुंच जाऊंगा तो क्या करूंगा, भगवान श्री रामेश्वर को जल चढ़ाऊंगा, फिर तो मेरी यात्रा सफल हो जाएगी। ऐसे सोच करके उछलने लगे, खुशी हो रहे थे। इतने में महात्मा एकनाथ ने देखा कि दाहिने तरफ से खेत में कोई गधा पड़ा है, अपने दाहिने तरफ एक खेत में गधा पड़ा हुआ है और पानी के लिए बेचारा तड़प रहा है। और जल्दी जल्दी उसने क्या किया, एकनाथ जी ने क्या किया, उस गधे को जाकर के देखा तो बेचारा पानी के लिए तरस रहा है और अगर उसको पानी नहीं मिला जल्दी से अगर उसको पानी नहीं मिला तो क्या होगा, वो कभी भी क्षण भर में मर सकता है, निश्चित है वो मर जाएगा। तो देखिए एकनाथ जो थे संत, उनका हृदय पिघल गया, जो 8-8 वर्षों से हाथ में लेकर के जल लेकर के रामेश्वर को चढ़ाने के लिए, रामेश्वर भगवान को चढ़ाने के लिए लेकर के आ रहे थे,
पैदल से। अभी संत का एक करुणामयी होता है, देखिए संत का लक्षण ही ऐसा होता है, वो लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। आजकल होते हैं तो मरने दो, है ना, कोई पूछता भी नहीं है, लोग तो पूछते भी नहीं है, इतने स्वार्थी होते हैं। लेकिन संत लोग कभी भी, अभी भी संत लोग, यदि कोई संत असली संत है तो स्वार्थी स्वभाव होता ही नहीं है उसमें। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कभी पर ही न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कबीर हिन जाना, जिन परिताप द्रव ही नवनीता, पर दुख द्रव ही संत सुखनीता। महात्माओं का जो हृदय तो माखन जैसा होता है, जो संत का हृदय होता है, जो भक्त का हृदय होता है, उनका हृदय माखन जैसी कोमल होती है। देखिए माखन तो यदि आपने ताप से पिघला दे, ताप के आसपास में हो जाए तो पिघल जाता है, पर उसके लिए ताप की आवश्यकता है। तो पर संतों का जो हृदय है, दूसरों का क्या बोलते हैं, दूसरों का ताप से पिघल जाता है, माखन जो है अपने ताप से पिघल जाता है। तो संतों का जो हृदय है दूसरों का ताप से पिघल जाता है, ये भिन्न है, ये डिफरेंस है। तो देखिए जो 8 वर्षों से पैदल चल रहे हैं और पैरों में बेचारा छाले पड़ रहे हैं, मुरियां झुरियां पड़ रहे हैं, बढ़ गई कितनी तकलीफ से सह करके यहाँ तक आ गए। रामेश्वर का मंदिर लगभग 3-4 किलोमीटर ही है, ज्यादा नहीं है, यात्रा पूरी होने वाली ही है, और संत को गधा दिखा, गधा दिख गया, पानी के लिए तड़प रहा है, तो क्या हुआ? उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और जल्दी से और जल्दी से उसके पास चले गए और संपूर्ण गंगाजल गधे के मुख में उड़ेलते हुए बोले, हे रामेश्वर भगवान, मेरी जल को यहीं से आप स्वीकार कर लेना। गधे में जैसे इन्होंने इस प्रकार से गधे के मुख में जल डाला तो क्या हुआ, गधे में से रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए। ऐसा कथा संतों से सुनने को मिलता है। देखिए गधे से स्वयं रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर के बोले कि हे एकनाथ, तुमने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। बोले बताओ भगवान, क्या आप इसमें नहीं रहते हैं? शांत जी बोलते हैं, क्या इस रूप में आप नहीं रहते, गधे में पूछ रहे हैं। शिव जी को 50 लोटा रोज लटकाइए और जीवों का हत्या करे, उस सेवा से शंकर प्रसन्न नहीं होता है, कभी नहीं होते हैं। आप मंदिर में 5 बार जा नहीं पाते हो, वो चलेगा, पर किसी जीव को तकलीफ देते हो तो वो नहीं चलेगा। किसी जीव को दुख देते हो, कष्ट में डालते हो, किसी जीव को नेगेटिव समझते हो, तो तुम 24 घंटा मंदिर में क्यों ना रहो? मंदिर में, सिर्फ मंदिर में रहने से, यानी कि मंदिर का
में रहने से या मंदिर का क्या बोलते हैं आचार्य बनने से या मंदिर का क्या बोलते हैं अधिपति बनने से या कुछ भी आप बनो, कैसा भी अवस्था में रहो, सिर्फ मंदिर में रहने से ही ये नहीं होता है। ये कंफर्म नहीं है कि भगवान आपसे प्रसन्न प्रसन्न है। आप भला कहीं भी रहो, मंदिर में आ ना पाओ, इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर मत जाइए, इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है। अपने योग्यता के हिसाब से कर आना चाहिए, मंदिर में सत्संग करना चाहिए, क्योंकि सत्संग का जो आपने ऑलरेडी महिमा सुन चुके हैं, तो ये सत्संग तो घरों में ज्यादा कोई लोग करते नहीं है, मंदिर में ज्यादा चांस होता है करने के लिए, इसलिए मंदिर में आना चाहिए। पर कहने का तात्पर्य ये है कि यदि किसी कारणवश अगर मंदिर में आप नहीं आ सकती हो, तो भी यदि आपके मन में भक्ति भाव जागृत है, जीवों के प्रति दया का दया भाव है, हर जीव में यदि आप भगवान को ही देखते हैं, भगवान का स्वरूप को देखते हैं, भगवान का सभी को बराबरी रूप में देखते हैं, भगवान परमात्मा का निवास स्थान को देखते हैं, भगवान परमात्मा के रूप में देखते हैं हर जीव के अंदर, तो वही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए दिखावट भक्ति करने से कुछ नहीं होता है। भगवान को जानना, भगवान को पहचानना और भगवान को हर जीवों के अंदर जो व्यक्ति देखता है, उसी का जीव सार्थक है, उसी का जीवन सार्थक है। तो इसीलिए हमें कोई भी नाजा सताएं तो उसे मारना भी धर्म है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई आपको सता रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको कष्ट दे रहा है, तो आप उसको सहते रहो, आप कुछ कुछ मत करो, ऐसा भी नहीं है। या किसी कमजोरी व्यक्ति को कोई कष्ट दे रहा है, आप तमाशा देखते रहो और कुछ भी नहीं करो, इसका कर्म है बोल के, ऐसा ऐसा भी नहीं है फिर। हाँ, ऐसा भी ना नहीं समझना। यदि कोई नाजाब को सता रहा है, वीक व्यक्ति को कोई परेशान कर रहा है, तो उसका मुकाबला भी करना चाहिए फिर। क्या बोलते हैं, सठई साठ्यम समाचरेत। इसका मतलब होता है कोई हमारा अहित नहीं करता, यदि कोई हमारा अहित नहीं करता तो उसे हम क्यों मारे। तो इस प्रकार से ध्रुव जी को स्वयं भुव मानु समझा रहे हैं, जिसने हमें कोई कष्ट नहीं दिया है अपने स्वार्थ के लिए, उससे क्यों मारें। बेटा, ये अच्छा नहीं है, ये धर्म भी नहीं है, तुम धर्म के विपरीत चल रहे हो। इस प्रकार से जब समझाया स्वयं भुव मानु ने, तो ध्रुव जी का मन में बड़ा वैराग्य आया। और स्वयं भुव मानु के चरणों में गिर के रोते रोते बोले, मुझे माफ कर देना बाबा, मैं पहचाना नहीं, मैं पहचान नहीं कर पाया था, इसलिए इस परिस्थिति को। और स्वयं भुव मानु चले गए समझा करके। ध्रुव जी बोलते, मैं इस परिस्थिति को मैं समझा नहीं, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तो क्षमा कर दिया, समझाया, पाठ पढ़वाया, सत्संग थोड़ा दे दिया और स्वयं भगवान मानो चले गए। ध्रुव ने बहुत वर्षों तक प्रशासन किया, प्रजा का ध्रुव ने ध्रुव के प्रजा पालन में लगे रहे, बहुत अच्छी तरह से शासन किया। उसके बाद ध्रुव के जो बेटे
ज्येष्ठ पुत्र जो बड़ा बेटा था उसका उल्कल नाम था। बेटा हुआ तो बेटे का नाम उल्कल रखा गया था, तो ये उल्कल को राजगद्दी में बैठाया और बैठा करके ध्रुव जी वन को चले गए। पर भगवान के ध्यान में निमग्न हो गए। प्रभु के धाम से जब इस प्रकार से ध्रुव जी एकदम निमग्न हो रहे थे प्रभु के चरणों में, भगवान के ध्यान में, तो प्रभु के धाम से विमान आया और उसे उसमें बैठा करके ध्रुव जी को वैकुंठ लेकर के जाने लगे। तो जब इस प्रकार से जब जा रहे थे विमान में बैठी रहे थे तो क्या हुआ, एक काली काली माता जी आ गई और माता जी हाथ जोड़ करके बोली कि कहाँ जा रहे हो ध्रुव जी, आप कहाँ जा रहे हो। ध्रुव जी ने बोला कि वैकुंठ जा रहा हूँ, भगवान का विमान आया है। तो माता जी बोली कि वैकुंठ जा रहे हो या स्वर्ग जा रहे हो, आप चाहे वैकुंठ जाओ या स्वर्ग जाओ, किधर भी जाओ, पर पहले हमें स्वीकार कर लो, कहीं जाने से पहले हमें स्वीकार कर लो। काली काली माँ बोल रही है ऐसा, और बिना मुझे स्वीकार किए तुम कहीं जा नहीं सकते हो, ऐसा कह रही है काली माँ। तो ध्रुव जी ने कहा मतलब क्या मतलब है तुम्हारा। तो बोला ब्रह्मा जी का जो लोक है वो ब्रह्मलोक है, भगवान विष्णु का जो लोक है वो विष्णु लोक है, वैकुंठ लोक भी कहा जाता है, इंद्रलोक जहाँ है इंद्र जहाँ रहते हैं वह इंद्रलोक है, शिव जी जहाँ रहते हैं वो शिवलोक हैं, पर हम लोग जहाँ रहते हैं उसका नाम क्या है, इसका नाम ये है मृत्युलोक। ठीक है, सबका अपना अपना नाम है, तो हम लोग जिस किस लोक में रहते हैं, मृत्युलोक में। तो इस प्रकार से ये काली जो काली काली माता जी हैं जो खड़ी थी वो मृत्यु है, वो मृत्यु थी, मृत्यु देवी, और वे कह रही थी कि बिना मुझे स्वीकारे तुम कहीं नहीं जा सकते हो। आया है सो जाएगा राज रंग फकीर, कोही सिंहासन चढ़ी चले कोही बधे जंजीर। भागवत में ऐसा आता है, सर्वे क्षयन्तं चीय परतांत श्रमश्रयात् संयोगस्य वियोगान्त जीवितं मरणं बधि। यहाँ जो भी जन्म लेता है बिना मरे उसको छुटकारा नहीं मिलता, मरना तो पड़ेगा ही। संयोगस्य वियोगान्त, संयोग का अंत वियोग में है, और जीवितम मरणम बधि, जन्म जिसने लिया उसको मरना पड़ेगा। ध्रुव जी ने भगवान के दूतों की ओर देखा, माता जी हमको मरने को बोल रही है, क्या करें। तो दूतों ने कहा कि जरा
नीचे सिर की करें। माता को बोला कि तुम सिर नीचे करो, ये काली माता को बोला दूतों ने कि तुम जरा सा सिर नीचे करो। तो माता जी ने, ये काली माता ने या मृत्युदेव ने जब अपना सिर नीचे किया, ध्रुव ने क्या किया, हम मर जाएंगे, तुम थोड़ा सा अपना सिर नीचे करो। ध्रुव जी ने बोला कि अच्छा ठीक है, हम मर जाएंगे, तुम अपना सिर नीचे करो ज्यादा सा, जरा सा। जैसे मृत्यु ने सिर झुकाया, वैसे ही मृत्यु के सिर पर अपने चरण रखकर ध्रुव जी विमान में बैठ गए। हैं, मृत्युर मूर्धनिम परदत्वा आवरो दासपद ध्रुव, ऐसा आता है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब जिसका गोविंद के चरणों में जिसकी अनावृत प्रीति है, प्रभु के चरणों में जिसकी निष्ठात्मक प्रीति है, वो मौत को भी जीत सकता है, वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है, ऐसा लिखा है। अभी कुछ यात्री लोग बद्री केदार का यात्रा के लिए, दर्शन के लिए, चार धाम यात्रा के लिए निकल रहे थे और बाढ़ आकर के पूरा बद्री केदारनाथ को पूरा डुबा दिया, निकाल दिया, पूरा उड़ा दिया, उधर सब सब प्रलय मच गया। तो लोग बच करके, कुछ लोग, काफी लोग मारे गए, तो कुछ लोग बच करके आए, तो वो क्या बोल रहे हैं कि हमने मृत्यु को जीत करके आया है, लोग कहते हैं। इसी प्रकार से जो भगवान के चरणों में प्रीति बनाए रखता है, वो मृत्यु को भी जीत सकता है। स्वस्थ सेते मृत्युरस्मात् अरपेति। अब ध्रुव बेटा उत्कल हैं, ध्रुव का जो बेटा है वो उत्कल हैं। अब उत्कल का बेटा जो है अंग हैं, इस प्रकार से ध्रुव जी मौत के ऊपर पैर रख करके वो तो वैकुंठ के धाम की ओर प्रस्थान कर दिया, अपने पुत्र उत्कल को राज्य गद्दी दे करके, और बाद में उत्कल का बेटा हुआ अंगद, अंग, और अंग का बेटा हुआ बेन, बेन के यहाँ भगवान पृथु हुए और पृथु ने अनेक यज्ञ किए, और भगवान यज्ञ, पृथु के यज्ञ में भगवान स्वयं पधारे और पृथु को सुंदर ज्ञान उपदेश किया। उसके पश्चात पृथु ने 10,000, पृथु महाराज ने 10,000 कान मांगे भगवान से। 10,000 कान किस लिए मांगे? इसीलिए ताकि वो भगवान के कथा सुन सके, सुन ले। पर अपने बेटा अंतर, अंतर्धान, उन्होंने अपने बेटा अंतर्धान को राजगद्दी दे दी, यानी कि राजगद्दी पर अपने बेटा अंतर्धान को बैठाया पृथु ने, पृथु महाराज ने, और अंतर्धान को राज दे करके चले गए। और जंगल में चले गए, और इसीलिए आज भी पृथ्वी की वजह से ही इसका नाम पृथ्वी है। जो मृत्यु लोग है, ये मृत्यु लोग का नाम पृथ्वी रह गया, ये इन्हीं पृथ्वी महाराज की जगह, इन्हीं पृथ्वी महाराज की वजह से ये मृत्यु लोग का नाम पृथ्वी हो गया, और आज पृथ्वी के नाम से हम लोग जानते हैं। संस्कृत में सूत्र सूत्र आता है कि पृथु हो इदम पृथ्वी, तो इस प्रकार से पृथु की बेटा अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान का बेटा हविर्धान, और हविर्धान के पुत्र हुए प्राचीनावारी,
थोड़ा ध्यान से सुनना। और राजा प्राचीनवारी जो थे वो बहुत ही यज्ञ करते थे, क्योंकि शास्त्र में लिखा है ना कि यज्ञो भाई विष्णु, यज्ञ विष्णु का रूप है, इसलिए यज्ञ जरूर होना चाहिए। निश्चित रूप से यज्ञ होना चाहिए, गृहस्थ व्यक्ति को यज्ञ तो जरूर करना चाहिए। पर बिना यज्ञ का हिंदुओं में कोई काम पूरा तो होता ही नहीं है। बिना यज्ञ के कुछ नहीं होता। किसी के घर में बेटा नहीं हो तो फिर यज्ञ करते हैं, उसका नाम है पुत्र कामेष्टि यज्ञ। यष्टि माने यज्ञ। फिर बालक का जन्म होता है तो प्रसूति ग्रह में प्रमात में अग्नि भर के रखते हैं। बिना अग्नि के बिना यज्ञ के कुछ नहीं। फिर बालक का जो होता है ना नामकरण संस्कार, पंडित जी आते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं, फिर हवन होता है, फिर नामकरण होता है, इसके बाद जो होता है बच्चों का उपनयनम संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, अन्नप्राशन मुंडन जो भी है, जनेऊ संस्कार, बिना यज्ञ के जनेऊ होता ही नहीं। फिर होता है विवाह संस्कार, बिना यज्ञ के विवाह होता नहीं है। अग्नि जलेगी फिर स्वाहा स्वाहा होगा, फिर अग्नि को फिरे देंगे, फिरे दिए जाएगा, फिर आपका विवाह माना जाएगा। ये कोर्ट में जा करके सिग्नेचर कर देते हैं ना आजकल, जिसको कोर्ट मैरिज बोलते हैं। हमारे शास्त्रों में उस स्त्री को पत्नी का दर्जा नहीं दिया है। जो व्यक्ति कोर्ट में जाकर के जो शादी करता है उसको हमारे शास्त्रों में पत्नी का दर्जा नहीं दिया है, यानी कि वो धर्म पत्नी है ही नहीं, वो अर्धांगिनी नहीं होती है। वो कोर्ट फोर्ट में लेकर के लिखने से शास्त्रीय मान्यता से वो धर्म पत्नी नहीं है ही नहीं। और उस पत्नी को पत्नी के किए गए सत्कर्मा, यानी कि पति के किए गए जो सत्कर्म होता है ना, वो सत्कर्म का 1 भी % फल मिलने वाला भी नहीं है। शास्त्र में आता है ना कि जो भी पति सत्कर्म करता है तो उसका 0.5% पत्नी को अर्धांगिनी के रूप में जाता है। तो जो व्यक्ति कोर्ट में जाके सिग्नेचर करके जो मैरिज करता है शास्त्र के विपरीत जाता है, वो वास्तव में वो पत्नी भी नहीं है, वो धर्म पत्नी तो है ही नहीं। उसको धर्म पत्नी माना ही नहीं गया, बिकॉज वो धर्म पत्नी नहीं है, इसलिए उसको पति का जो सत्कर्मा का जो क्या बोलते हैं फल है, वो फल भी उसको 1% भी उनको नहीं मिलता है, ऐसा शास्त्र का मत है। बिना यज्ञ का तो इस प्रकार से बिना यज्ञ का तो होता ही नहीं है। और बात तो क्या किया जाए। अंत में हम लोग जब शरीर अंत हो जाता है, या हम लोग का जब शरीर अंत हो जाता है, तो फिर भी अपने शरीर को भी हम यज्ञों को ही दे देते हैं स्वाहा। उसका नाम क्या है? अंत्येष्टि। अंत्येष्टि माने अंतिम यज्ञ, शरीर भी उसको समर्पित हो जाता है। बिना यज्ञ का कुछ भी नहीं होता। याज्ञो भाई विष्णु, यज्ञ विष्णु, यज्ञ विष्णु का रूप है। और जो शास्त्रीय या शास्त्र की पूरी जो जानकारी लेकर यज्ञ करो करते हैं, तो हमारे यहाँ शर्करा घृत घृत होता है और कई प्रकार की सामग्री होती है, जौ तिल चावल चीनी शर्करा घी इत्यादि।
बहुत प्रकार की सामग्री होती है। तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या करते हैं, यज्ञ में डाल देते हैं, यज्ञ कुंड में डाल देते हैं, तो हमारा इस प्रकार से शास्त्र में लिखा गया है और ऐसा करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मत है। हाँ, तो पहले तिल को पूरा साफ करो और तिल को फिर धूप में रखो। हाँ, और गौर से देखा देखा उसमें कोई भी कीड़ा तो नहीं है, कोई चींटियां तो नहीं है। फिर लकड़ियां हम यज्ञों में डालते हैं ना, उस लकड़ियों को भी धूप में रखो, तो कहीं कीड़ा है तो फिर निकल जाए। हाँ, उसमें कोई जीव जंतु हो है तो निकल जाए, क्योंकि जो यज्ञ में यज्ञ करते हैं हम लोग आहुति देते हैं, उसमें कोई कीड़े मकोड़े जीव जंतु नहीं होना चाहिए, क्योंकि यज्ञ की माध्यम से कहीं भी किसी हिंसा तो नहीं होना चाहिए। तो ध्रुव और ध्रुव वंश में जो राजा प्राचीन भारी थे, उन्होंने क्या किया, हजारों यज्ञ किए था, पर उनको किसी ना किसी न समझ व्यक्ति ने कह दिया कि यज्ञ में यज्ञों के द्वारा किसी पशुओं की बलि देना चाहिए। यज्ञ कर रहे तो बोल पशुओं की बलि चढ़ा दो। तो राजा ने यज्ञों में या कि यज्ञों के माध्यम से हजारों पशुओं की बलि देना शुरू कर दिया। ये नेपाल में विशेष करके हम लोग को देखना मिलता है, वो सुनने को मिलता है बहुत, ये नेपाल में बहुत ही होता है विशेष करके। ये जब विजयदशमी का समय आता है, दुर्गा पूजा का टाइम आता है, लाखों जीवों का हत्या होता है बलि के रूप में। हमारे भारत में उतना देखने को नहीं मिलता है बलि के रूप में, हमें मार काट मार तो ज्यादा ही होता है, लेकिन पूजा के नाम में काट मार बहुत कम होते हैं, जितना नेपाल में जो छोटा सा देश है उसमें बहुत होता है। बलि बहुत देते हैं, बहुत पशुओं का जीवों का हत्या होता है, हजारों पशुओं की बलि दी जाती है। तो इसी प्रकार से महाराज प्राचीन वारी ने भी हजारों यज्ञ किया और हजारों यज्ञों में हजारों जीवों का बलि दिया। कितने बकरों की बलि दी, कितने जीवों की हत्या करी। एक दिन क्या हुआ, संत नारद जी घूमते घूमते राजा प्राचीन वारी के मंडप में आ गए, क्योंकि प्राचीन वारी को बड़ा ही अभिमान था, या अभिमान हो गया था कि मैंने इतना यज्ञ किया है। हाँ, बहुत सारे यज्ञ किया मैंने, हजारों यज्ञ किया, हजारों बलि दिया है। हाँ, बहुत अभिमान हो गया था। तो देखिए, इसलिए नारद जी आ गए। जब नारद जी जहाँ पधारते हैं वहां तो कृपा करते ही है, संत जहाँ पधारते हैं वहां संत कृपा करता ही है, और कृपा करने के लिए ही वो आते हैं, ये तो हमने सुना है पहले भी काफी बार। तो देखिए, साबुन जो होता है ना, कपड़े को धोना तो चाहिए, पर साबुन से कपड़े को धोना तो चाहिए, पर कपड़ों में जो दाग लगा रहा है, कपड़े में जो दाग लगा है, यदि धोने के बाद भी वो अगर कपड़ा का दाग नहीं जाए तो फिर धोने का मतलब क्या है। इसी प्रकार से यदि कपड़ा धोने के बाद भी उसमें दाग लगता रहे, तो धोने का कोई अर्थ नहीं होता है, मतलब नहीं होता है। तो सत्कर्म तो करो, लेकिन सत्कर्म करने का जो दम है, सत्कर्म करने के बाद दम अभिमान हमारे मन में अगर है, रह गया, तो इसका मतलब क्या है। तो सत्कर्म करने के बाद हमारे अभिमान हमारे मन में कभी नहीं आना चाहिए, ये बहुत ही
इम्पोर्टेंट बात है। मैंने ये किया, मैंने किया नहीं, मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता, मैं नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होने वाला है। मैंने किया, मेरे वजह से हुआ, मेरे कारण से हुआ, मैं ही इसका कारण हूं। अभिमान प्रतिष्ठा की जो भावना है, यदि ये आ गई तो तुमने कुछ नहीं किया। राजा के मन में थोड़ा था ऐसा, तो इसलिए नारद जी आए। तो जब नारद जी आए तो राजा ने सोचा कि मैंने इतना यज्ञ किया, इतना वो किया है, तो नारद जी आए हैं तो नारद जी मेरा बड़ाई करेंगे। तुमने कितना, तुमने इतनी यज्ञ की, तुम मान हो, बढ़िया हो, लेकिन नारद जी आए और मंडप में खड़े हो गए और क्या कहा, रोने लगे। नारद जी आकर के रोने लगे। राजा बोले, आप रो क्यों रहे हो महाराज? अरे संत नारद मेरा मंडप में पधारे हैं, मेरा यज्ञ सफल हो गया, मैंने ऐसा सोच रहा था, लेकिन पर आप तो यो आकर के मेरे मंडप में आकर के रो रहे हो, क्यों रो रहे हो महाराज? तो नारद बोले, मैंने पापी तो बहुत देखे, पर तुम्हारा जैसा पापी मैंने कभी नहीं देखा। तो राजा प्रचिनबारी को ऐसा कह रहे हैं नारद जी, मैंने पापी तो बहुत लोग देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा पापी तो मैंने कभी देखा ही नहीं ऐसा। राजा बोले, ये तो खूब बात हुई साहब, मैंने इतना यज्ञ किया, सारे दुनिया मुझे प्रणाम करती है, इतनी यज्ञ, और आप कहते हैं कि मैं पापी हूं। तो नारद जी बोलते हैं, नारद जी क्या बोलते हैं, आप देखना चाहते हो, आप देखना चाहते हो आप क्या पाप किया? जी बताइए, ऊपर देखा? तो राजा ने ऊपर, राजा को ऊपर दिखाया और बोला, देखो ऊपर देखो। राजा ने जब ऊपर नजर रख करके देखा तो हजारों बकड़े, हजारों घोड़े खड़े थे। नारद जी बोले, तुमने जितने जीव हत्या की है यज्ञ में, एक एक दिन का तुम्हारा बदला लेंगे, एक एक जीव तुम्हारा बदला लेकर के मानेंगे। जीव की हिंसा मत करो, किसी प्राणी की हिंसा मत करो, यज्ञ के द्वारा चाहे देवी को बल देने के बहाने से भी, देवी को बलि चढ़ाने का बहाने से ज्यादा बड़ी मात्रा में ये काट मार ज्यादा होता है। ऐसा मत करो, जीव की जाने वाली जो हत्या है वो पाप है, महापाप है, किसी को जीवन नहीं दे सकते है, तो मारने का क्या अधिकार है तुम्हारे पास? लेकिन राजा ने तुरंत कहा कि वेद में लिखा है, वेद में लिखा है, पशुन आलभेत। वेद में क्या लिखा है? पशुन आलभेत, पशु का आलभेत करना चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि राजन, आलावेद का अर्थ अर्थ मारना नहीं होता है, बल्कि छूना होता है। पोषुन आलावेद, इसका मतलब मारना नहीं होता है, छूना होता है। हम लोग जब यज्ञ करते हैं तो 3 अंगुली अपने हृदय में लगाओ, और अपने आए अभिमान रूपी घोड़े की आहुति दे दो, अपनी ममता रूपी घोड़े को आहुति दे दो। हम अहंकार नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, अहम मत तप नहीं करेंगे, किसी घोड़े को मारने की अनुमति शास्त्र कभी नहीं देती है। आलावेद का अर्थ
यदि यदि मारना कहते हैं आपने कही कई शादी कराते हुए दिखाए। पंडित जी अब शादी कराते हुए हैं तब का तब वहां एक मंत्र आता है, ततवरम कन्याय हृदयम आलभित। क्या आता है? ततवरम कन्यायम हृदयम आलभित, ऐसा विवाह पद्धति में लिखा है। तो इसका यानी कि इसके बाद वर को कन्या का हृदय को आलाभन करना चाहिए। इसलिए यदि आलाभेद का अर्थ मारना कर दें और वर को और वर कन्या को मार देगा तो शादी कैसे होगी? इसलिए पंडित जी जब इस मंत्र को पढ़ते हैं तो वर जो है कन्या के हृदय हृदय को 3 अंगुली से लगाता है और मंत्र पढ़ते हैं। आलावेत का मतलब हुआ, यानी कि आलावेत का मतलब होता है छूना, छूना होता है। अपने क्रोध रूपी घोड़े को छुओ और क्रोध को हमेशा के लिए त्याग दो। जब भागवत कथा होती है ना, कीर्तन होती है, सत्संग होती है, तो कथा के अंत में हवन होता है। विशेष करके भागवत कथा जब होती है तो कथा के अंत में 8वें दिन होमा होता है, हवन होता है, यज्ञ होती है। और यज्ञ के समय आचार्य जो हैं वो पूछते हैं, भाई आपने 7 दिन नियम से कथा सुनी है इसलिए आपको आज एक-एक चीज छोड़नी होगी। तो यज्ञ के समय संकल्प लेते होंगे, कोई पान जो पान खाने वाला होता है वो पान खाता नहीं है, वो छोड़ता हूँ, तो खाना छोड़ने का संकल्प लेता है। तो कई कहता है कि तंबाकू जो खाने वाला है तो तंबाकू तो छोड़ने वाला है, पान कभी नहीं खाएगा, सिगरेट कभी नहीं पिएगा, छोड़ देगा, पीना छोड़ देगा, जुआ ताश खेलने वाला जुआ ताश खेलना छोड़ देगा। कोई कहते हैं कि शराब जो पीता है तो शराब पीना छोड़ देगा। इस प्रकार से हवन कुंड में आहुति दे करके संकल्प करते हैं कि जीवन में शराब नहीं पिएंगे। तो एक न एक चीज छोड़ी जाती है। यहाँ भी ऐसा होगा 8वें दिन, क्योंकि यज्ञ का जो मतलब होता है किसी वस्तु का त्याग देना, जो बैड हैबिट्स हैं, खराबी आदतें, उसको त्यागना, ये यज्ञ का मतलब ही यही होता है। ये खराबी खराब चीज करना, किसी की बलि चढ़ाना, किसी का बलि देना, किसी का जीव हत्या करना, हिंसा करना, ये यज्ञ का तात्पर्य नहीं है। तो इस प्रकार से यज्ञ का तात्पर्य, मूल तात्पर्य यही है कि भगवान को खुश करना। और भगवान जीव हिंसा से कभी प्रसन्नता नहीं होते हैं, और हिंसा करने से भगवान कभी प्रकट होते भी नहीं है, भगवान प्रसन्नता होते भी नहीं है। क्योंकि और भगवान ऐसा परामर्श ऐसा वो उपदेश देते भी नहीं है जीव हिंसा करने के लिए, क्योंकि सभी जीव भगवान के अंश हैं, स्वरूप हैं, पार्ट एंड पार्सल से हैं, भगवान के अंग हैं। इसलिए किसी की हत्या करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है, और किसी का हत्या यज्ञों के नाम से, पूजा के नाम से, बलि के नाम से ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ऐसा करने के लिए शास्त्र में बताया भी नहीं है, शास्त्र ऐसा आज्ञा करती भी नहीं है। और जब आप पूजा पाठ यज्ञ दानों में अगर नहीं कर सकते तो अन्य समय में तुम लोग जो खाते हो है ना, मांस खाते हैं, चिकन खाते हैं, चिकन आजकल तो चिकन टिक्का मसाला, चिकन बिरयानी, चिकन दिस, चिकन तंदूरी, चिकन दैट दिस दैट, पता नहीं क्या क्या चिकन, और चिकन के बिना तो रहते नहीं है।
हाँ, जो जो भी खाते हैं चिकन से संबंधित होता है, लैम और चिकन, बकरी और बीफ। देखो अभी आजकल तो बीफ भी शुरू हो गया है, ये खा खा के बुद्धि चिकन का जैसे हो गया, तो हायर फिलोसफी, हायर जो क्या बोलते हैं आत्मज्ञान कैसे समझ पाएंगे ऐसे चिकन खाने वाले, चिकन बुद्धि वाले का दिमाग में हायर फिलोसफी घुसेगा कैसे, समझेंगे कैसे। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है, सत्संग करो और ये सब जो बैड हैबिट्स हैं, खराबी आदत है, इसको त्यागो और धीरे धीरे पवित्र हो जाओगे संगत के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से, कथा सुनने के प्रभाव से, और उसके बाद तभी भगवान के कृपा पात्र बन सकेंगे और खुशी रहेंगे जीवन में। जब तक तुम दूसरों का हिंसा करोगे, दूसरों का बलि चढ़ाओगे, दूसरों को मार के खा के ऐसे रहने का प्रयत्न करोगे, जब तुम दूसरों का हिंसा कर रहे हो, दूसरों का दूसरों को खा रहे हो, दूसरों को मार के खा रहे हो, जब तुम दूसरों का जीव, दूसरे जीवों का हिंसा करके खा रहे हो, दूसरों को कष्ट दे रहे हो, तो भला तुम कैसे खुश रह सकते हो। जैसा करे संग वैसे चढ़े रहना। देखो जीव को पशु खाओगे तो तुम्हारा स्वभाव तो पशु का ही होगा ना। अंग्रेजी में एक कहावत है ना, फूड व्हाट यू ईट इज व्हाट यू आर, द फूड व्हाट यू ईट इज व्हाट यू आर, ये ऐसा बोलते हैं अंग्रेजी में, जो खाना खाते हो वही तुम हो। तो यदि तुम चिकन खाते हो या लैम खाते हो या बकरी खाते हो या भैंस खाते हो या पता नहीं क्या क्या चीजें खाते हैं, खाना अगर तुम खाओगे ऐसा चीज है तो तुम्हारा तुम क्या होगा, तुम तो उससे भी गिरे हुए हो। तुम्हारा भावना, तुम्हारा जो कॉन्शियसनेस है, हायर कॉन्शियसनेस हो ही नहीं सकता है। जब तुम ऐसा नीच घृणित काम करोगे, घृणित चीजें खाओगे, सड़ा हुआ माल खाओगे, जो गीदड़ खाती है, जो गीदड़ होता है ना वो मरा हुआ लाश खाता है, कुत्ते होते हैं ना यमुना में वृंदावन में अगर जाएंगे तो जब लाश जलती है तो कुत्ते और मछली और ये क्या है कछुआ, गीदड़, कौआ, ये मरे हुए लाश खाते हैं। तो आप और ये अगर आप भी अगर इसी लाश खाने के चक्कर में हैं और लाश खाते हैं ना, तो आप समझ लीजिए आप कौन हैं, मेरे को कहने की कोई जरूरत नहीं है। बोलिए जय श्री कृष्ण।